यस। चाइल्ड कंजर्वेशन फाउंडेशन और राष्ट्रीय सेवा भारती के साथ 197वें वेबिनार में आप सभी का स्वागत है। पिछले 197 सप्ताह से लगातार हम समाज में उन विषयों को उठाते रहे हैं जो बच्चों, महिलाओं या समाज से प्रासंगिक रहा है। उसी क्रम में आज एक और विषय लेकर हम आपके समक्ष उपस्थित हैं। फॉरेंसिक साइंस पे आज हम बात करने जा रहे हैं। अगर फॉरेंसिक साइंस के बारे में थोड़ी डेफिनेशन की बात करें तो अपराधों की जांच करने एवं न्यायालय में प्रस्तुत किए जाने वाले सबूतों की जांच का जो वैज्ञानिक तरीका है, जिसे को कि विशेषज्ञों द्वारा परफॉर्म किया जाता है, उसको हम न्यायिक जांच या फॉरेंसिक साइंस की कैटेगरी में कह सकते हैं। फिंगरप्रिंट, डीएनए एनालिसिस, ब्लड स्पॉट्स या विशेष प्रकार का पैटर्न जो अपराध में शामिल होता है, पॉलीग्राफ टेस्ट या उसमें प्रयुक्त होने वाले हथियार, औजार, इन सारी चीजों की जांच फॉरेंसिक साइंस में की जाती है। फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स करके न्यायालय में सबूत रखते हैं और ये आपराधिक और न्यायिक दोनों मामले में विशेषज्ञ के रूप में, गवाह के रूप में भी फॉरेंसिक साइंटिस्ट अदालत में उपस्थित होते हैं, न्यायालय में अपनी बात रखते हैं। अभियोजन और बचाव पक्ष दोनों के लिए काम कर सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द सर्कमस्टेंसेस। फॉरेंसिक साइंस का बालकों के विरुद्ध होने वाले अपराध या बालकों द्वारा किए जाने वाले अपराधों में क्या रोल हो सकता है, किस प्रकार हम उनको रोक सकते हैं, किस प्रकार हम उनकी मदद कर सकते हैं, इस विषय पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। और मुझे ये कहते हुए बहुत गर्व महसूस हो रहा है, आई एम फीलिंग रियली प्राउड कि आज हमारे साथ एक ऐसे विशेषज्ञ जुड़े हुए हैं जो डिग्री के मामले में मुझे भी मात देते हैं, मुझे भी कॉम्पिटिशन देते हैं। मुझे बहुत गर्व था आपने ऊपर कि मैंने करीब 5-6 PG, 4-5 बैचलर, ऐसे 10-12 डिग्री है, पर हमारे जो एक्सपर्ट है आज उनके पास इस प्रकार बैचलर्स और वो मिला के लगभग 15 डिग्री है राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय यूनिवर्सिटीज के साथ। इट्स रियली अ मैटर ऑफ ग्रेट प्राउड फॉर मी टू इंट्रोड्यूस श्री संजय सराफ सर, एडवोकेट फ्रॉम मुंबई, अ प्रैक्टिसिंग लॉयर, क्रिमिनोलॉजिस्ट, फॉरेंसिक साइंटिस्ट, लेक्चरर एंड ऑथर। ही हैज रिटन सो मेनी बुक्स, यूजीसी नेट क्वालिफाइड एंड करंटली परसुइंग PhD इन क्रिमिनोलॉजी एंड फॉरेंसिक साइंसेस, BA ऑनर्स, LLB, MA क्रिमिनोलॉजी एंड फॉरेंसिक साइंस, 3 विषयों में LLM है सर का, क्रिमिनल लॉ, क्रिमिनोलॉजी एंड इंटरनेशनल लॉ। लगभग 15 डिग्री मैंने इस तरह से बताई सर के पास है, काफी बुक्स लिखी हैं और रेगुलरली लीगल सिस्टम के ऊपर आर्टिकल आते रहते हैं, आप लिखते रहते हैं। सर आपसे निवेदन है कि आज का जो हमारा विषय है, एक्सप्लोरिंग द वाइटल रोल ऑफ फॉरेंसिक साइंस इन सेफ गार्डिंग चिल्ड्रन वेलफेयर, इस पर अपनी बात रखें। ओवर टू यू संजय सर। थैंक यू चौबे सर, आपने कुछ ज्यादा बता दिया मेरे बारे में, उसका डिजर्व नहीं करता हूँ मैं। और मैं चाहूंगा जो लोग वीडियो अगर ऑन कर सकते हैं थे तो एक इंट्रक्शन भी मालूम भी पड़ता था और बात भी आगे बढ़ती थी। तो आज का जो मैं सबसे पहले सर, ये जो अपना ऑर्गेनाइजेशन है जो बच्चों के लिए आप काम करते हैं, मैंने आपके वेबसाइट पे भी देखा, यूट्यूब पे भी देखे, काफी सारे कार्यक्रम अपने किए हैं, वाकई में बड़ी सराहनीय है कि आप बच्चों के लिए इतने सारे काम करते हैं। मैं चाहूंगा कि मुझे भी इसमें मौका मिले तो जरूर आप मुझे कभी भी इसमें मुझे भी थोड़ा सा बच्चों के लिए काम करने के लिए मौका देंगे। ठीक है, मैं कमिंग टू द पॉइंट, आज का जो टॉपिक है, आज का टॉपिक जो मैंने लिया है कि व्हाट इज द फॉरेंसिक साइंस एंड फॉरेंसिक साइंस का रोल क्या है, और बच्चों के द्वारा जो क्राइम्स होते हैं उसमें फॉरेंसिक साइंस का रोल क्या हो सकता है, कैसे हम उन चीजों को बच्चों के फेवर में करने के लिए या बच्चों को आइडेंटिफाई करने के लिए या क्राइम को रोकने के लिए हम कैसे फॉरेंसिक साइंस का इस्तेमाल कर सकते हैं, आज हम उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो फॉरेंसिक साइंस मेनली क्या है, फॉरेंसिक साइंस मेनली वो क्राइम इन्वेस्टिगेशन की बात करता है, वो केवल क्राइम पनिशमेंट की बात करता है। जब फॉरेंसिक साइंस की बात आती है तो सबसे पहले बात आती है कि किसने क्राइम किया, उसके खिलाफ एविडेंसेस क्या हैं, और उस एविडेंस को उस क्रिमिनल के साथ हम कैसे कनेक्ट कर सकते हैं और कैसे कोर्ट में प्रोड्यूस कर सकते हैं, ये मेनली फॉरेंसिक साइंस का काम होता है। तो फॉरेंसिक साइंस के बहुत से एप्लीकेशन हैं, जैसे इसके फिंगरप्रिंट्स है, डीएनए टेस्ट है, सीरम है, ब्लड है, जो आर्म्स है, जो बंदूक की गोलियां होती है, ये है आपका ड्रग्स है, इन सारी चीजों की एग्जामिनेशन होती हैं, जैसे जैसे क्राइम होता है उसके हिसाब से अलग अलग एप्लीकेशन है जिसका हम डिस्कशन हम बाद में करने वाले हैं फॉरेंसिक साइंस के ऊपर। सर मैं चाहूंगा कि PPT शेयर करने के लिए करूं सर यहाँ से, आपको ही शेयर करना पड़ेगा सर, आपको ही करना पड़ेगा। यस 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 सर, देख पा रहे सर जी? ठीक है।
तो फॉरेंसिक साइंस मैंने आपको जैसे बताया कि फॉरेंसिक साइंस क्या है कि बहुत सी फील्ड्स को लेके, अगर मैं ये स्लाइड आपको दूं, तो फॉरेंसिक साइंस में हम जांच करते हैं ऑडियो और वीडियो की। अगर मान लीजिए कोई क्राइम हुआ और उस क्राइम के अंदर कुछ वीडियोज हैं या कुछ ऑडियो रिकॉर्ड हुए हैं, तो फॉरेंसिक साइंस में हम ये पता लगा सकते हैं कि वो वीडियो फैब्रिकेटेड है, एक्चुअल है, या उसके साथ टेम्परिंग की गई है। इसी प्रकार हम ऑडियो की भी जांच कर सकते हैं। अगर वीडियो के अंदर जो आवाज आ रही है वो आवाज पर्टिकुलर उसी पर्सन की है या नहीं है, हम इसकी जांच भी कर सकते हैं। बहुत से ऐसे केसेज जो होते हैं कि वीडियो किसी और का है, आवाज किसी और की होती है, लेकिन फॉरेंसिक साइंस में हम वीडियो को भी जांच कर सकते हैं और ऑडियो की भी जांच कर सकते हैं, एग्जैक्ट किस पर्सन ने क्या बोला। फिर बात आती है ब्लड स्टेन की। ब्लड स्टेन क्या, कोई भी अगर ब्लड अगर क्राइम सीन पे मिलता है तो हम ये पता लगा सकते हैं कि उसका ब्लड ग्रुप क्या है और उसकी एज क्या है। एज से मेरा मतलब है कि वो कितना पुराना ब्लड है, वो लेडीज का है, जेंट्स का है, बच्चे का है, इस बात की भी हम तहकीकात कर सकते हैं। और आपको जान के आश्चर्य होगा कि ब्लड के जो साइंस हैं, जो ब्लड जहाँ गिरता है उसको 10 या 15 साल के बाद भी उसके मार्क मौजूद रहते हैं, और ऐसी टेक्नोलॉजी आ चुकी है कि हम 10 साल के बाद भी हम ब्लड के निशान को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ये हमारा ब्लड से रिलेटेड है। फिर CSI, क्राइम सीन इन्वेस्टिगेशन। जब कोई भी क्राइम होता है तो सबसे पहले पुलिस क्या करती है, उस क्राइम सीन को पहले सबसे पहले वो आइडेंटिफाई करती है, उसकी बाउंड्री लगाती है। आपने देखा होगा बाउंड्री लगाती है, पीले रंग का वायर होता है, डू नॉट क्रॉस करके। तो वहां पे तो क्राइम के सीन के पास, जहाँ पे मेन क्राइम हुआ है, जहाँ मेन एक्सीडेंट हुआ है या मर्डर हुआ है या रेप केस हुआ है या रॉबरी हुई है, उस जगह को सबसे पहले पुलिस आइडेंटिफाई करती है, उसकी बाउंड्री लगाती है। फिर वहां पे वो जांच करती है। जैसे देखो एक नंबर है, तो एक नंबर से मतलब है जहां पे कोई एविडेंस मिला वहां नंबर एक दे दिया, जहां एक दो मिला वहां दो दिया, जहां तीन मिला वहां तीन दे दिया। या जब क्राइम सीन के ऊपर कोई भी इन्वेस्टिगेशन होती है तो पुलिस सबसे पहले क्या देखती है, एग्जिट एंड इंटर पॉइंट कौन सा है, कि जो भी क्रिमिनल है उसने कहाँ से इंटर किया और कहाँ से उसने एग्जिट किया। वहां पे कोई अगर बुलेट के अगर निशान है या बुलेट की कोई उसकी गोली की जो खोखे होते हैं अगर वहां पे होती है तो उसको मार्किंग की जाती है। और आप एक ध्यान रखो, पुलिस जब भी वहां पे अगर कोई एविडेंस को अगर देखती है तो उसको उठाती नहीं है, सबसे पहले केवल उसकी केवल और केवल मार्किंग होती है। उसको चारों तरफ से एक चौक देंगे या कोई धागे से या किसी प्रकार से उसको केवल प्रोटेक्ट करना है, पुलिस उसको छू नहीं सकती। छूने से क्या होता है कि उसके टेम्परिंग होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो हम लोग इसमें क्या क्या, पुलिस क्या क्या करती है, एक तो एंट्री पॉइंट देखती है, एग्जिट पॉइंट देखती है, टायर मार्क्स देखती है। टायर मार्क्स में कोई गाड़ी अगर वहां से गई है तो टायर मार्क्स उसमें है या नहीं है, किसी का फुटप्रिंट वहां पे है या नहीं है, वीपन्स यहाँ पे है या नहीं है, या किसी ने उस एरिया में यूरिन किया है तो उसकी मार्क भी वो चेक करती है, फिर ब्लड है या नहीं है, ये सारी चीजों को चेक किया जाता है। और जितने भी एविडेंसेज हैं उन सारे एविडेंस की जांच करती है फॉरेंसिक टीम। पुलिस केवल प्रोटेक्शन का काम करती है, उसके बाद वो फॉरेंसिक टीम को बुलाती है और फॉरेंसिक टीम आने के बाद सारे एविडेंस को कलेक्ट करती है। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे अगर ब्लड मार्क्स है तो ब्लड मार्क की जो पैकेजिंग होती है वो अलग होती है। अगर मान लो वहां पे कोई ब्लड है और ब्लड को पैकिंग अगर उसने पेपर के लिफाफे में उसने अगर ब्लड को डाल दिया तो क्या होगा, जो पेपर है वो ब्लड को सोख सकता है और उसकी पूरी क्वालिटी खराब हो सकती है। तो ब्लड को कैसे स्टेन करना है, ब्लड को कैसे पैकेजिंग करनी है, कौन से इंस्ट्रूमेंट्स हैं, कौन से बोतल में उठाना है, इन सब के अलग अलग टेक्निक हैं। और एक बात और भी ध्यान रखने वाली चीज है कि कोई भी एविडेंस अगर वहां से कलेक्ट होता है तो पुलिस चौकी में नहीं जाता, वो डायरेक्ट वहां से लेबोरेटरी को चला जाता है। कोई भी एविडेंस हो, पैकेजिंग वहीं पे होती है, साइट पे होती है, और वो सीधा के सीधा वो लेबोरेटरी में जाती है जहाँ पे फॉरेंसिक साइंस उसकी रिपोर्ट तैयार करता है और उस रिपोर्ट के बेस के ऊपर फिर कोर्ट के एडमिशन होता है। तो दिस अ क्राइम सीन होता है। मैं केवल आपको बुलेट पॉइंट बता रहा हूँ, बाद में कभी इसमें एक्सप्लेन बात कर लेंगे। फिर डिजिटल एविडेंस, आजकल क्या डिजिटल का जमाना है, जैसे आज हम अभी डिजिटल पर बात कर रहे हैं, अगर कोई भी डिजिटल क्राइम होता है तो हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी है जो हम पता लगा सकते हैं कि किसी आदमी ने कौन से कंट्री में बैठ के किया, उसका आईपी एड्रेस क्या है, कौन सा कंप्यूटर उसने इस्तेमाल किया है, इन सारी चीजों की भी जांच की जा सके थ्रू द फॉरेंसिक साइंस। जैसे अगर मेरा वीडियो यहाँ पे है, अगर कोई पता लगाना चाहे कि मैं कहाँ बैठ के बात कर रहा हूँ तो आसानी से उस बात को पता लगा सकता है, मेरे सिस्टम को पता लगा सकता है कि मैं कौन सा सिस्टम इस्तेमाल कर रहा हूँ, मैं कौन सा ब्राउजर इस्तेमाल कर रहा हूँ, मेरा आईपी एड्रेस क्या है, ये सारी चीजें पता लगाई जा सकती है। उसके बाद डीएनए, डीएनए इज द मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग। आपको मालूम होगा डीएनए से हम
एक दूसरे की जांच कर सकते हैं कि ये डीएनए मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है, जैसे मदर का डीएनए बच्चे से मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो आज की डेट में डीएनए टेस्टिंग जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गई है किसी भी क्राइम को सॉल्व करने के लिए। और किसी केवल क्राइम की बात नहीं है, अगर मान लो कि अगर कोई एक्सीडेंट हो गया या कोई एयर क्रैश हो गया और उसके अंदर जितनी भी बॉडी मिली है जिसको बॉडी को हम पहचान नहीं सकते, तो उसकी पहचान कैसे होती है? उसकी पहचान डीएनए के थ्रू होती है। और डीएनए कैसे निकलता है? उसके बालों से भी डीएनए निकाल सकते हैं, उसके ब्लड से भी डीएनए निकाल सकते हैं, उसके यूरिन से ले सकते हैं, उसके सलाइवा से डीएनए निकाल सकते हैं। तो डीएनए इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी विक्टिम को आइडेंटिफाई करने के लिए। और उसके साथ साथ मान लो कोई क्राइम हो गया, क्राइम होने के बाद जो पर्टिकुलर ऑफेंडर है उस पर्टिकुलर स्पॉट पे था या नहीं था, तो उसकी जांच भी डीएनए के थ्रू होती है। जैसे हमारे पास फुटप्रिंट है, तो फुटप्रिंट के हम उसके निशान लेते हैं, फिर उसको मैच करते हैं उसी कलर उसी साइज का जूता है या नहीं। फिर आता है ड्रग, ड्रग की भी जांच होती है कि किसने कौन सा ड्रग कितनी मात्रा में ली हुई है, इसकी भी जांच होती है कि उसने कौन सा अफीम लिया है, चरस लिया है, गांजा लिया है, इसकी भी पूरी जांच होती है। और ये जो ड्रग कंट्रोलर की जो रॉ लॉ है उसमें अप्लीकेबल होता है। होता क्या है कि अगर एक ड्रग इंडिया में थोड़ा बहुत अलाउ है लेकिन क्वांटिटी अगर ज्यादा हो तो अलाउ नहीं है, तो किसी आदमी ने कितनी क्वांटिटी कंज्यूम की हुई है उसको पता लगाया जा सकता है। उसके बाद एविडेंस एंड विटनेस की बात आती है। तो जो हमारे फॉरेंसिक एविडेंसेज होती है वो सारे के सारे एविडेंस, जिसमें ऑडियो वीडियो हो गया, ब्लड हो गया या डिजिटल हो गया, डीएनए हो गया, ड्रग्स, एनीथिंग, तो ये एविडेंसेज एंड विटनेस के तौर पे हम इसको कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत करते हैं। और कोर्ट इसको एक्सेप्ट भी कर सकती है और इसको रिजेक्ट भी कर सकती है। मोस्टली केसेज में कोर्ट उसको एक्सेप्ट कर लेती है क्योंकि कोर्ट तो खुद एक्सपर्ट होती नहीं है, उसको किसी ना किसी एक्सपर्ट की ओपिनियन लगनी होती है। तो मोस्टली केसेज में देखा गया है कि कोर्ट 90% केसेज में जो एक्सपर्ट ओपिनियन होती है या लैब की रिपोर्ट होती है उसको एडमिट कर लेती है। फिर मान लो एक्सप्लोसिव, अगर कोई बम ब्लास्ट होता है तो बम ब्लास्ट में हमें पता लगा सकते हैं कि उसमें कौन सा यूरेनियम का इस्तेमाल किया गया, कौन सा आरडीएक्स का इस्तेमाल किया गया है, उसके अंदर कितने तरह की बारूद का इस्तेमाल किया गया है, इन सारी चीजों को हम पता लगा सकते हैं। और साथ ही साथ अब हम उसके ये भी पता लगा सकते हैं कि ये कौन सी कंट्री में बना है, ये जो मटेरियल इसके अंदर जो इस्तेमाल हुआ है वो मटेरियल कौन सी कंट्री में मिलता है, इंडिया में मिलता है भी कि नहीं मिलता है, और इंडिया में मिलता है तो कौन सी पार्ट में मिलता है, इन सारी चीजों की जाँच की जा सकती है। और उससे हम पता लगा सकते हैं कि ये मेड कहाँ का है, हरियाणा का है कि पंजाब का है कि दिल्ली का है, कहाँ का है, इससे हम ये पता लगा सकते हैं। फिर आती है फिंगरप्रिंट्स की बात। तो फिंगरप्रिंट्स क्या है? फिंगरप्रिंट्स अ वेरी यूनिक कंसेप्ट, मतलब एवरी फिंगरप्रिंट्स कैन नॉट, एवरी फिंगर इज डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। हर आदमी का फिंगरप्रिंट यूनिक होता है, वो किसी से किसी का मैच नहीं होता है। आज तक तो किसी का मैच नहीं हुआ, वर्ल्ड में जितने भी क्राइम्स हुए हैं या जितने भी लोगों के फिंगरप्रिंट्स हैं वो किसी का मैच नहीं होता। और फिंगरप्रिंट्स भी कई प्रकार के होते हैं, किसी का लेफ्ट से राइट जा रहा होता है, किसी का राइट से लेफ्ट जा रहा होता है, कुछ लेटेंट फिंगरप्रिंट्स भी होते हैं। तो लेटेंट फिंगरप्रिंट हम उसको बोलते हैं जो हमको नेकेड आई से दिखाई नहीं देता। तो होता क्या है कि मान लीजिए आपने कोई ग्लास को पकड़ा या आपने बंदूक को छुआ या आप किसी घर में एंट्री की, आपको फिंगरप्रिंट्स वहां पे आ चुका है लेकिन आप देख नहीं सकते हो, तो हम उसको बोलते हैं लेटेंट फिंगरप्रिंट्स। तो उस लेटेंट फिंगरप्रिंट्स को बाद में डेवलप किया जा सकता है और डेवलप करने के बाद हम उसको मैच कर सकते हैं कि किस पर्सन से मिलता है। तो आज की डेट में एफबीआई के पास एक डेटा है और साथ में इंडियन गवर्नमेंट ने भी अभी ये डेटा कलेक्ट किया है जहां पे ऑलमोस्ट बहुत से लोगों के फिंगरप्रिंट्स हैं। तो जो फिंगरप्रिंट्स हमारे पास आती है वो लैब में डेवलप होता है और डेवलप होने के बाद उसको कंट्रोल रूम में भेज दिया जाता है और वहां पे फिंगरप्रिंट्स मैच होता है, मिनटों में मैच हो सकता है कि फिंगरप्रिंट्स किसका है। और फिंगरप्रिंट मैच होने के बाद फिर हम आराम से क्राइम तक, क्रिमिनल तक हम लोग पहुंच सकते हैं। उसके बाद आती है फायरमा, फायर आर्म्स की बात। तो कई तरह की बंदूकें होती हैं, जैसे AK-47 हो गया, बुलेट हो गया, राइफल्स हो गई, टॉप हो गई, तो इस तरह की जो फायर आर्म्स होती हैं इनका भी एक यूनिक होता है। यूनिकनेस क्या होती है? अगर मान लो अगर क्राइम सीन पे कोई बुलेट मिला तो ये तो आपको नहीं मालूम है कि बुलेट कौन से आर्म से चलाया गया है, आप ये पता लगा सकते हो कि राइफल की है या AK-47 की, ये तो पता लगा सकते हो, लेकिन रिवॉल्वर की सारी गोलियां तो एक जैसी होती हैं, इसको हम कैसे पता लगाएंगे कि कौन से रिवॉल्वर से गोली चली, इसका भी पता लगाया जा सकता है। अगर हमारे पास कोई बुलेट है और बुलेट आने के बाद अगर हम सारे हथियार को जब्त करने, पुलिस जब्त कर लेती है, तो इसको पता लगाया जा सकता है कि बुलेट कौन से रिवॉल्वर से चली, ये भी हम पता लगा सकते हैं। उसका कारण क्या है कि एवरी जो
आर्म्स होता है उसका यूनिक आइडेंटिटी होता है, हर आर्म्स एक उसमें अपना एविडेंस होता है। जैसे अगर गोली फायर होती है तो फायर होने के बाद उसमें कई तरह के निशान हो जाते हैं, तो जो निशान होते हैं वो कभी भी एक दूसरे से मैच नहीं हो सकता है। अगर दूसरे रिवॉल्वर से चले उसके निशान अलग होंगे, तीसरे चले उसके निशान अलग होंगे, तो हम उसकी जांच करते हैं। उसके बाद हम ये भी जांच कर सकते हैं, ये जांच करते हैं कि अगर किसी आदमी को शूट किया गया है तो उसका डिस्टेंस कितना है, उसको 10 मीटर से गोली मारी गई है, 20 मीटर से मारी गई है, 100 मीटर से गोली मारी गई है, इसकी भी जांच होती है। उसमें कितनी बारूद उसके बॉडी के अंदर गया, उसमें जो वर्ल्ड वॉर्स को जो घाव बनी है वो कितना गहरा है, इन सारी चीजों की जांच होती है फाइन ट्रांस के अंदर। उसके बाद हम बात करते हैं फुटवियर और टायर्स। तो जब भी आदमी आप कहीं पे जाते हो, अपने घर पे जाते हो, पार्क में जाते हो, कॉलेज में जाते हो, स्कूल में जाते, कहीं भी जाते हो, तो साथ में जो आपके फुटवेयर है, जो आपके जूते के निशान है, वो हर जगह बनते जाते हैं। और साथ साथ आप जहां जहां से गुजरते हो तो वहां की जो मिट्टी होती है वो मिट्टी भी आपके सूज के साथ जा जाती है। और अभी तक का जो जितने भी इन्वेस्टिगेशन हुआ है, जो साइंटिफिक प्रूफ है कि एवरी 500 मीटर के बाद जो सॉयल की क्वालिटी है, जो मिट्टी की क्वालिटी है, वो चेंज हो जाती है। तो अगर हमारे पास जूते का निशान है, अगर जूता हमें मिल जाता है, तो हम ये पता लगा सकते हैं कि वो आदमी कहाँ से गुजरा है, उसकी मिट्टी, उसके हम क्या करते हैं, जूते से उसकी मिट्टी को लेते हैं, मिट्टी लेने के बाद हर मिट्टी को अलग अलग करते हैं, और फिर हम जांच करते हैं कि ये मिट्टी कौन से एरिया से आ सकती है, फिर उस एरिया से मिट्टी को कलेक्ट करते हैं, और मिट्टी को कलेक्ट करने के बाद जूते से मिली हुई जो मिट्टी है उससे मैच करते हैं, तो हम ये पता लगा सकते हैं कि वो आदमी उसी एरिया से गुजरा है कि नहीं गुजरा। उसके बाद उसका नंबर कितना है, कितने नंबर का उसने पहना है। और दूसरी बात, एक बात और याद रखो, फुटप्रिंट के मास्क भी कभी भी एक जैसे नहीं हो सकते। अगर एक ही कंपनी ने अगर 10 जूते एक साथ बनाए हैं तो भी उसके मार्क्स जो होंगे बिल्कुल अलग होंगे, वो कभी मैच नहीं होगा। उसके बाद आके टायर की बात आती है। अगर मान लो कि क्राइम सीन के आसपास कोई टायर मार्क्स है, कार की है, ट्रक की है, या तुम्हारे बाइक की है, साइकिल की है, किसी भी तरह का टायर मार्क होता है, तो फॉरेंसिक टीम क्या करती है, उस टायर मार्क को वो पिक करती है। उसको पिक करने का तरीका है, उसको पहले कवर करते हैं, कवर करने के बाद एक चूने की तरह उस पे लिक्विड होता है उसको डालते हैं, उसको डालने के बाद उसकी इंप्रेशन को पेपर के ऊपर लेते हैं, पेपर में लेने के बाद फिर हम लैब में लेके जाते हैं, लैब में लेके जाने के बाद फिर हम ये पता लगाते हैं कि ये कौन सी कंपनी का टायर है, कौन सी कंपनी है जो इस टायर को इस्तेमाल करती है। अगर हम ये पता लगा लें कि ये टायर कौन सी कंपनी इस्तेमाल करती है, तो हम ये हमें ये पता लगा सकते हैं कि कौन सी गाड़ी का टायर है। जब गाड़ी का टायर हमको हमारे पास आ गया, देन हम ये पता लगा सकते हैं कि उस एरिया में कितने लोगों के पास ऐसी गाड़ियां हैं, और जब हमको अगर उस पे डाउट होता है या पुलिस को डाउट होता है, तो इन सारी गाड़ियों की जांच हो सकती है कि जो टायर की निशान क्राइम सीन पे मिला है वो उससे मैच होता है कि नहीं होता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है क्राइम सीन्स के लिए। फिर बात आती है फोटोग्राफी की। तो फोटोग्राफी, जब भी क्राइम सीन में कोई भी पुलिस जाती है तो ये सबसे पहला रूल है फोटोग्राफी लेना, फोटोग्राफी एंड वीडियोग्राफी। तो ये रूल है, आप याद रखना, कभी भी क्राइम सीन पे कोई भी पुलिस जाती है तो सबसे पहला काम है उस एरिया की फोटोग्राफी करना और वीडियोग्राफी करना। दिस अ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग बिफोर सॉल्विंग द क्राइम। वहां पे ऐसा नहीं, आजकल क्या होता है, क्राइम होता है वहां पे पत्रकार भी पहुंच जाते हैं, वहां पे घूमने वाले पहुंच जाते हैं, सारे हमारे एविडेंस वहां पे डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। इसके लिए रूल बनाया गया है कि सबसे पहले जितने भी फोटोग्राफ्स हैं वो सारे फोटोग्राफ्स लिए जाएंगे, वीडियोग्राफी ली जाएगी, क्राइम सीन को प्रोटेक्ट किया जाएगा, उसके बाद एविडेंस को कलेक्ट करेंगे थ्रू द फॉरेंसिक साइंटिस्ट। उसके बाद हम फोटोग्राफ हम चेक करेंगे वहां पे, जो फोटोग्राफ हमारा कोर्ट में इस्तेमाल होने वाला है, क्योंकि ओरिजिनल जो फोटोग्राफ है किस कैमरे से लिया गया, ये सारी जांच वहां पे होगी। तो इसके लिए फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी इज द मोस्ट एडमिसिबल एविडेंस बिफोर द कोर्ट। फिर आता है क्वेश्चन डॉक्यूमेंट। क्वेश्चन डॉक्यूमेंट हम उसको बोलते हैं, अगर मान लो कि किसी ने विल बनाया या किसी ने चेक बनाया, चेक किसी को दिया, और विल के अंदर उसने एक सिग्नेचर किया, और बाद में किसी उसके रिलेटिव ने चैलेंज किया कि जो इस पे जो इसके ऊपर साइन किया गया है वो साइन गलत है, जो डॉक्यूमेंट है वो फॉर्ज है, उसके ऊपर जो स्टाम्प पेपर है वो सही नहीं है, जब उस पेश जब उस पेपर पे कोई क्वेश्चन रेज होता है तो हम उसे क्वेश्चन डॉक्यूमेंट बोलते हैं। मतलब उसे डाउट क्रिएट हो गया कि साइन मैच नहीं हो रहा है, उसका स्टाम्प पेपर मैच नहीं हो रहा है, उसका डेट अलग है, अंगूठे का निशान अलग है, ये सारी चीजें जब किसी डॉक्यूमेंट में क्वेश्चन रेज होता है तो हम उसको क्वेश्चन डॉक्यूमेंट बोलते हैं। तो इसकी जांच होती है। और क्वेश्चन डॉक्यूमेंट के अंदर ये सारी जांच क्या क्या होती है,
ये पेपर कितना पुराना है, उसके ऊपर साइन किसके हैं, इंक की एज क्या है, इंक एज से मेरा मतलब जो उस पे जो स्याही लगी हुई है हम उसकी जांच कर सकते हैं कि कितनी पुरानी स्याही है, 10 साल पहले की है, 5 साल पहले की है, हम उसकी जांच भी कर सकते हैं, टेक्नोलॉजी इतनी डेवलपमेंट हो गई है। तो हम कोई भी क्वेश्चन डॉक्यूमेंट वो फॉर्ज है कि नहीं है वो भी फॉरेंसिक साइंस के थ्रू की जा सकती है। फिर आती है टॉक्सिकोलॉजी। टॉक्सिकोलॉजी में मानो कोई डॉक्टर ने किसी को दवा दिया या कुछ नहीं, कोई दवा खा ली और उसकी डेथ हो गई, तो हम ये पता लगा सकते हैं कि जो दवा दी गई थी वो दवा पॉइजन है या नहीं है, और पॉइजन है तो कौन सा पॉइजन है, सांप का पॉइजन है या होममेड पॉइजन है या कई दवाओं को मिल के पॉइजन बनाया गया है जिसकी वजह से उसको डेथ हुई है, इन सारी चीजों की जांच जो टॉक्सिकोलॉजी में होती है, राइट। ये हो गया। फिर ट्रेस एविडेंस, ट्रेस हो गया, हम जब इन सारी चीजों को हम ट्रेस करते हैं, जो भी जितनी चीजें मैंने बताई ऑडियो वीडियो जो भी होती हैं, उसी ट्रेस एविडेंस को हम कलेक्ट करने के बाद फिर हम अपने केस को मजबूत करते हैं और कोर्ट के पब्लिश करते हैं। तो ये हमारी होती, ये बेसिक मैं आपको बता रहा हूँ कि ये फॉरेंसिक साइंस के अप्लीकेशन है जो बहुत ही पॉपुलर हो रहा है, और अभी कोर्ट का भी, सुप्रीम कोर्ट का भी गाइडलाइंस है कि जिस केस में 3 साल से ज्यादा की सजा होती है उसमें कोई ना कोई फॉरेंसिक एविडेंस होना जरूरी होता है। ये अभी आई, तो फॉरेंसिक साइंस का इंपॉर्टेंस डे बाय डे बढ़ता जा रहा है, ठीक है। अब इसमें हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप इसको ध्यान से सुनना, कि फॉरेंसिक साइंस के कुछ लॉ है कि फॉरेंसिक साइंस में होना ही चाहिए, हो उसके बिना आप फॉरेंसिक साइंस की कल्पना भी नहीं कर सकते। जैसे एक लोकार्ड का एक नियम है, एक्स एवरी कॉन्टेक्ट लीव ए ट्रेस, ध्यान देना, एवरी कॉन्टेक्ट लीव ए ट्रेस। इसका मतलब ये हुआ कि जब कोई भी दो चीजें आपस में कनेक्ट होती है तो कोई ना कोई वो एविडेंस छोड़ के जाती है। जैसे मान लो कि मैं मध्य प्रदेश आता हूं और मैं सर की ऑर्गेनाइजेशन में आता हूँ, राइट, और वहां पे आने के बाद मैं आऊंगा तो मेरे शूज भी आएंगे, मैं खुद भी वहां मौजूद रहूंगा, सर से मैं मिलूंगा, उनके ऑफिस में जाऊंगा, तो मेरा कहीं ना कहीं कांटेक्ट हो रहा है वहां पे। तो इसका मतलब है कि मैं, मेरे जूते के निशान भी वहां मिलेंगे, मुझे फुटप्रिंट मेरा मिलेगा, मेरे फिंगरप्रिंट्स वहां पे मेरे मिलेंगे, अगर मैं कपड़े पहन के गया हूँ मेरे कपड़े का कोई फाइबर है वो भी वहां मिल सकता है, मेरे वहां पे स्वेट भी मिल सकता है, जो ग्लास मैंने छुआ होगा उस ग्लास के ऊपर मेरा फिंगरप्रिंट मिल सकता है, तो ये सारी चीजें वहां पे मैं छोड़ के आने वाला हूँ। और वहां से आते समय अगर मैं चौबे सर से मिला हूँ तो मैं वहां से उनके साथ अगर मैंने हाथ मिलाया तो उनके पसीना मेरे हाथ में लगने वाला है, तो वो पसीना भी मेरे साथ साथ बॉम्बे चला जाएगा, तो हम बाद में जांच कर सकते हैं कि मैं उनसे वहां मिला या नहीं मिला, मैं कब मिला, इन सारी चीजों की जांच हो सकती है। तो पहला रूल क्या है, एवरी कॉन्टेक्ट लीव ए ट्रेस, जब भी कोई दो चीजें आपस में कनेक्ट होती है तो कोई ना कोई ट्रेस को जरूर छोड़ती है, ये इसका पहला नियम है। दूसरा नियम है प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअलिटी, इसका मतलब ये हो गया कि हर आदमी, हर लिविंग और अनलिविंग चीज, उसकी अपनी एक आइडेंटिटी होती है, दो आदमी इक्वल नहीं हो सकते, दो कोई भी चीज, दो मोबाइल भी इक्वल नहीं हो सकते, तो ये बात करता है कि कोई भी दो चीज, कोई भी एक चीज है उसकी अपनी आइडेंटिटी होती है, हम उसको कंपेयर नहीं कर सकते दूसरे के साथ, उसकी अपनी क्वालिटी मानी जाती है। फिर लॉ ऑफ कंपेरिजन, अगर मान लो कि आपके पास किसी चीज को कंपेयर करना है, अब आईफोन और एंड्रॉइड का कंपेरिजन तो नहीं हो सकता है, राइट, उसी प्रकार जो अगर आपने एयरलाइंस की बात करें, बोलेंगे नहीं बॉस ये सहारा एयरलाइन ठीक नहीं था और ये हमारा एयर इंडिया ठीक है, तो हम दोनों को कंपेरिजन नहीं कर सकते क्योंकि दोनों ही अलग अलग चीजें हैं, हम जब भी कंपेरिजन करेंगे तो दो इक्वल चीज के साथ करेंगे, सहारा है तो सहारा के साथ करेंगे और स्पाइस जेट है स्पाइस जेट के साथ ही करेंगे, दो रिवॉल्वर हमारे पास है, एक गोली हमारे पास है और दो रिवॉल्वर हमारे साथ है, तो ऐसा नहीं हो सकता कि हम एक की रिवॉल्वर की बात करें एक की राइफल की बात करें। तो लॉ ऑफ कंपेरिजन क्या बोलता है कि वो दोनों चीजें ही एक आइडेंटिकल होनी चाहिए तो ही उसका कंपेरिजन हो सकता है, दो अलग अलग चीजों का कंपेरिजन नहीं हो सकता है, लड़का लड़की का कंपेरिजन नहीं हो सकता है, लड़के लड़के का हो सकता है, लड़की लड़की का हो सकता है, तो ये बात करता है कंपेरिजन का। अब प्रिंसिपल ऑफ लिंकेज, लिंकेज मैंने बताया ना कि एवरी कॉन्टेक्ट लीव ए ट्रेस, जब भी कोई इंसिडेंट होता है या जब भी हम किसी से मिलते हैं तो हम कोई ना कोई एविडेंस को हम छोड़ के जाते हैं या कोई ना कोई एविडेंस हम अपने साथ लेकर जाते हैं जो लिंकेज हमें बाद में एस्टेब्लिश करता है कि हम वहां पे गए थे। जैसे कोई क्राइम होता है, क्राइम होने के बाद अगर कोई रॉबरी होती है, रॉबरी होने के बाद वो कुछ के घर में जाएगा, अगर उसने दरवाजे नहीं खोले तो उसने दरवाजा तोड़ के भी जाएगा, अंदर जाने के बाद उसके फुट फूट के निशान आएंगे, तो जितने भी वो ऑफेंस क्रिएट करेगा, दरवाजा तोड़ना, घर के अंदर जाना, हथियार इस्तेमाल करना, ये सारे लिंकेज होगी जो बाद में
कंपनी एस्टेब्लिशमेंट करेगी कि कौन सा आदमी वहां पे गया था और किसने ऑफेंस किया है, और कोर्ट में ये सारी चीजें एडमिसिबल होने वाली। अच्छा, उसके बाद आती है लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी। रॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी क्या बात करता है कि मान लीजिए आपके पास सर्टेन, आपके पास सिनेरियो आ गया, आपके पास एक क्राइम सीन आ गया कि भाई कोई आया होगा, उसने ऐसा क्राइम किया होगा, और ऐसा भी हो सकता है कि उसने दाएं से आया, बाएं से आया, उसने ये हथियार चलाया। तो आप क्या करते हो कि आपके सामने कोई एविडेंस अभी नहीं है, आप एक एक आइडिया लगा रहे हो कि क्राइम कैसे कमिट हुआ होगा, कोई कहां से आया होगा, बाद में आप उसको मैच करोगे एविडेंस के साथ। पहले आप उसको आइडिया लगाओगे, भाई ये लगता है ये आदमी दरवाजा तोड़ के आया है, यहाँ से आया, उसने घर को दरवाजा तोड़ा, फिर उसने घर के आदमी को मारा, फिर उसने तिजोरी को तोड़ा, फिर वहां से सामान लिया, ये एक आप एक प्रोबेबिलिटी तैयार करते हो, उसके बेस पे आप उसको आगे बढ़ते हो, फिर आपके एविडेंसेस उसके साथ कनेक्टेड होते चले गए। फिर आती है लॉ ऑफ प्रोग्रेसिव चेंज। लॉ ऑफ प्रोग्रेसिव चेंज से मेरा मतलब ये है, मान लो कि कोई ब्लड गिरा, ब्लड गिरने के तुरंत बाद उसमें चेंजेस होने शुरू हो जाएंगे, करेक्ट? तो हर हर सेकेंड में उसका चेंज होगा। आपने ब्लड ले लिया अभी सुबह लिया, और उसको दोपहर के बाद उसको लोगे तो उसकी उसका जो रिजल्ट अलग आएगा, शाम को लोगे तो उसका रिजल्ट अलग आएगा, दूसरे दिन आप सुबह लोगे तो उसके रिजल्ट अलग आने वाली है। तो इसकी बात कर रहे हैं। तो क्या होता है कि कानून क्या बोलता है कि जब क्राइम हो उसी समय की आपको रिपोर्ट होनी चाहिए, क्योंकि हर चीज वक्त के साथ साथ बदलती जाती है। अब मान लो किसी आदमी की डेथ हो जाती है, डेथ होने के बाद पहले उसका शरीर पीला पड़ता है, पीला होने के बाद 2-4 घंटे के बाद उसका थोड़ा सा फूलने लगता है, 2-4 दिन के बाद जाओगे तो बॉडी पूरी तरह फूल जाती है, उसके हाथ को मतलब उसके पेट वगैरह फूल जाता है। तो ये प्रोग्रेसिव चेंज होता है। तो ये फॉरेंसिक साइंस क्या बोलता है कि समय के साथ साथ हर चीजें चेंज होती हैं। तो इसके लिए कोई भी अगर क्राइम सॉल्व करना हो तो उसका एग्जैक्ट टाइमिंग, उसका एग्जैक्ट एविडेंस होना जरूरी होता है। फिर लॉ ऑफ एनालिसिस। लॉ ऑफ एनालिसिस क्या होता है, ये सारी चीजें आपके पास आ गई, सारे एविडेंस आपके पास आ गई, और फिर आप लैब में बैठ के सारे काम करते हो, एनालिसिस करते हो कि भाई कौन सा इसमें क्राइम किससे कमिट हो रहा है, कौन सा एविडेंस किससे कनेक्ट हो रहा है, कौन इसमें क्रिमिनल हो सकता है, नहीं हो सकता है। इन सारी चीजों को बैठ के आप टेक्निकली तौर पे साइंटिफिक वे इस्तेमाल करते हो और उसको एनालाइज करते हो, तो ये हम उसको बोलते हैं लॉ ऑफ एनालिसिस। तो ये हमारा बेसिक है प्रिंसिपल साइंस का, फॉरेंसिक साइंस का। तो फॉरेंसिक साइंस जितनी भी हमारी चलती है इन सारी चीजों के ऊपर ही चलती है। पहले मैंने आपको बताया कि फॉरेंसिक साइंस क्या है, राइट? उसके बाद मैंने बताया कि उसकी अप्लीकेशन क्या है, या बच्चों के ऊपर जो क्राइम हो रहे हैं उस पर हम कैसे अप्लीकेशन इसमें लग सकते हैं। तो बच्चे के ऊपर इसका क्या क्या रोल होता है, जैसे सेफ गार्ड ऑफ वेलफेयर ऑफ चिल्ड्रेन, उसमें क्या होता है, चाइल्ड एब्यूज हो गया, चाइल्ड एक्सप्लॉयटेशन हो गया, उसके साथ चाइल्ड का डीएनए टेस्ट हो गया, चाइल्ड का वीकनेस हो गया, उसका एज हो गया, मिसिंग चाइल्ड हो गए, चाइल्ड का एजुकेशन हो गया, बहुत सारी चीजों की अप्लीकेशन फॉरेंसिक साइंस के थ्रू इसमें किया जा सकता है। ये मैंने आपको अप्लीकेशन बताया कि फॉरेंसिक साइंस में अप्लीकेशन क्या है। तो पूरे फॉरेंसिक साइंस का बेस यही है। अब इसको हम जितना चाहें इसको एलिब्रेट कर सकते हैं, लेकिन फॉरेंसिक साइंस का बेस जो है ग्राउंड वर्क यही है, ठीक है? अब हम नेक्स्ट आते हैं। अब जो लोग बच्चे जो हैं, जो क्राइम के अंदर फॉरेंसिक साइंस हमारा जो है कैसे बच्चों के लिए बेनिफिशियल हो सकता है, अब हम इसकी बात करते हैं कि फॉरेंसिक साइंस। तो हमने अभी तक बात किया कि केवल क्रिमिनल की बात की, वो केवल क्राइम की बात करता है, सजा दिलाने की बात करता है, केवल आर्म्स की बात करता है, लेकिन क्या बच्चों के फील्ड में भी हम फॉरेंसिक साइंस का इस्तेमाल कर सकते हैं, ये सवाल हमारे सामने है। तो आपको हम कर सकते हैं। इसमें हमारा क्या है कि चाइल्ड विक्टिम आइडेंटिफिकेशन एंड एग्जामिनेशन। अगर कोई भी बच्चे ने कोई चाइल्ड विक्टिम है तो उसका एग्जामिनेशन करना, उसका डीएनए करना, उसका फिंगरप्रिंट्स करना, उसके दांतों को टेस्ट करना, एंथ्रोपोलॉजी का मतलब कि दांतों को चेक करना कि बच्चा वही है या नहीं है, ये फॉरेंसिक साइंस का ही पार्ट है। उसके बाद फॉरेंसिक्स इंटरव्यू ऑफ चिल्ड्रेन, जो फॉरेंसिक साइकोलॉजिस्ट होते हैं, मान लो किसी बच्चे ने क्राइम किया तो बच्चे की मेंटल एसेसेस क्या रही होगी या बच्चे का मेंटल एसेसेस क्या है, इसकी जांच कौन करेगा? इसकी जांच तो फॉरेंसिक साइंटिस्ट ही करेगा, पुलिस तो करेगी नहीं। तो हम फॉरेंसिक साइंटिस्ट के थ्रू, साइकोलॉजिस्ट के थ्रू हम ये पता लगा सकते हैं कि बच्चे की जो मेंटल एसेसेस है क्या है, उसने क्राइम क्यों कमिट किया, ये देख सकते हैं। फिर चाइल्ड सेक्सुअल एब्यूज इन्वेस्टिगेशन, अगर बच्चों के साथ कुछ सेक्सुअल ऑफेंस हुआ है तो हम उसके डीएनए से पता लगा सकते हैं, उसके ब्लड से पता लगा सकते हैं, एविडेंस कलेक्ट कर सकते हैं कि बच्चे का सेक्सुअल अब्यूज हुआ है या नहीं हुआ है। ये सारी की सारी जो एविडेंसेज हैं वो फॉरेंसिक साइंस के थ्रू ही होती है। फिर चाइल्ड एक्सप्लोरेशन एंड फोनोग्राफी, आपको मालूम है फोनोग्राफी आजकल बहुत बड़ा क्राइम भी है। तो ये कुल आखिर हमारा कोई फोटो आया कि भाई ये इस बच्चे की फोटोग्राफ्स हैं और इस बच्चे के साथ सेक्सुअल एक्सप्लोरेशन हुआ है, लेकिन फोटोग्राफ सही है या नहीं है इसकी जांच कौन करेगा? तो इसकी जांच फॉरेंसिक साइंटिस्ट ही करेगा कि नहीं, जो फोटो
दी गई है वो फोटो बिल्कुल सही है, वो फोटो में कोई टैम्परिंग नहीं हुई, या टैम्परिंग हुई है वो भी मालूम पड़ेगा, फोटो में टैम्परिंग हुई है या नहीं हुई इसकी जांच भी फॉरेंसिक साइंटिस्ट ही करेगा। उसके बाद हम आ जाते हैं चाइल्ड विटनेस टेस्टिमोनी। अब चाइल्ड को अगर मान लो कि उसको चाइल्ड ने कोई क्राइम होते हुए देखा है, अब चाइल्ड को उसकी एविडेंस उसके उसकी विटनेस के तौर पे उसकी गवाही लेनी, तो क्या जो चाइल्ड का जो टेस्टमनी है वो अप्लीकेबल होगा कि नहीं होगा, या चाइल्ड का मेंटल एसेसेस क्या है वो देने लायक है भी कि नहीं है। क्योंकि आपने देखा होगा कि बहुत से केसेस में घर के अंदर क्राइम होता है और बच्चे की विटनेस के ऊपर उनको सजा हो जाती है, तो आखिर बच्चे का मेंटल एसेसेस क्या है, उसको अप्लीकेबल कैसे करेंगे, इसकी जो आइडेंटिफिकेशन होता है जो एस्टेब्लिशमेंट होती है वो भी चाइल्ड विटनेस, चाइल्ड कस्टडी एंड फैमिली लॉ। चाइल्ड कस्टडी से मेरा मतलब है कि मान लो कोई बहुत से लोग आते हैं कि हमको चाइल्ड कस्टडी चाहिए, हमको बच्चे को गोद लेना है, बच्चे को हम रखना चाहते हैं, तो वो बच्चे की देखभाल करेंगे नहीं करेंगे, बच्चे के साथ उस फैमिली का सेटलमेंट होगा कि नहीं होगा, उसका भी एक साइंटिफिक वे है। होता क्या है कि माँ बाप आते हैं कि हमको बच्चा चाहिए और किसी को बच्चे को लेते हैं और चले जाते हैं, बाद में बच्चा उठा नहीं रहता है, फिर वो चला जाता है, ये तो छोड़ देता है, फिर मारा मारी होती, कुछ भी होती है। तो फॉरेंसिक साइंटिस्ट क्या पता लगाता है कि जिस बच्चे को जिस पेरेंट्स को हम देने वाले हैं तो उस बच्चे का और पेरेंट्स की मेंटेलिटी मैच होने के चांसेस कितने हैं, उसके साथ उनका रिलेशनशिप क्या होगा इन फ्यूचर, उसकी जो एस्टेब्लिशमेंट है ये भी फॉरेंसिक साइंटिस्ट ही करता है, राइट। उसके बाद जो मिसिंग चाइल्ड केस है, अगर कोई चाइल्ड मिस हो गया है गायब हो गया है तो उसका पता कैसे लगाएंगे, अगर मान लो पुलिस के पास कोई बॉडी मिल जाती है या कुछ कपड़े मिल जाते हैं, ये पता लगाएंगे कैसे उस लड़के का है या नहीं है, देन अगेन कम टू द फॉरेंसिक साइंस। अगर कोई बच्चा मिसिंग है, अगर बहुत सालों के बाद भी कोई हमको एस्केलेटॉन मिलता है, एस्केलेटॉन से मेरा मतलब कंकाल मिलता है, हमारे पास केवल दांत है, हमारे पास केवल हड्डियां हैं, तो हम कैसे पता लगाएंगे कि ये किसकी हड्डी है और ये बच्चे की है बड़े की, कैसे पता लगाएंगे, तो उसकी भी जांच, क्योंकि हर आदमी का हर बच्चे का लेडी जेंट्स का हड्डी जो है अलग अलग होती है, तो एक फॉरेंसिक साइंटिस्ट ही पता लगा सकता है कि ये जो हड्डी हमको मिली है वो किस एज की है, और साथ में ये भी पता लगाया जा सकता है कि हड्डी ये किस आदमी की है। अगर हम दांत की बात करें तो दांत कई सालों तक उसके अंदर डीएनए मौजूद रहता है, तो ये सारा काम फॉरेंसिक साइंटिस्ट ही करता है। उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट चीज है प्रिवेंटिंग ऑफ रॉन्गफुल कन्विक्शन। बहुत से ऐसे हम लोगों ने क्राइम देखे हैं जहां पे बच्चों ने क्राइम नहीं किया है, उसके बावजूद भी उनके ऊपर एलिगेशन रखते हैं और वो जाके रिमांड रूम में रहते हैं, तो आखिर वो बच्चे ने गलत किया या नहीं किया या किन परिस्थितियों में उसने कमिट किया है, इसकी पता कौन लगाएगा, इसका पता भी फॉरेंसिक साइंटिस्ट ही लगाएगा। लेकिन आजकल हम लोग ऐसे अब ट्रेडिशनल में क्या होता है, बच्चे ने क्राइम किया, इसने गलत किया है, इसको उठाओ चलो देखो रिमांड रूम में लेके जाओ, इसको वहां पे इसको सुधार गृह में लेके जाओ, हम ये कभी पता लगाने की कोशिश नहीं करते कि बच्चे ने क्राइम क्यों कमिट किया, वो कौन से परिस्थितियां थी जिसके वजह से बच्चे को क्राइम कमिट करना पड़ा, हम उसकी जांच नहीं करते, हम केवल ये देखते हैं कि बच्चे ने क्राइम किया, तो बच्चे ने क्राइम क्यों किया इसकी जांच जो है फॉरेंसिक साइंटिस्ट ही करता है, और जब वो अपनी रिपोर्ट देता है तो वो रिपोर्ट जो उसकी रिपोर्ट है वो एडमिसिबल होती है कि बच्चे ने जो क्राइम किया है उसमें मेंटल स्टेटस नहीं था, उसे घर में मारामारी हो गई थी, उसके पेरेंट्स की वजह से प्रॉब्लम्स हो रही हैं, उसको पैसे की प्रॉब्लम्स हो रही हैं, वो डिप्रेशन में जा रहा है, उस वजह से उसने क्राइम कमिट किया, अगर एस्टेब्लिशमेंट हो जाती है तो उसका बेनिफिट बच्चे को मिल सकता है, लेकिन ये करेगा कौन, ये भी फॉरेंसिक साइंस ही करेगा, राइट। अच्छा अब हम बात करते हैं, जैसे आप सभी लोग बच्चों के ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम कर रहे हैं तो मुझे 100% मालूम होगा कि आपको मालूम होगा कि चाइल्ड के लिए कितनी लॉ हमारे इंडिया में है, और मालूम होना भी चाहिए, क्योंकि अगर किसी बच्चे के साथ अगर कुछ गलत होता है तो हम उसको इंसाफ कैसे दिलाएंगे, न्याय कैसे मिलेगा, न्याय तो तभी मिलेगा जब हमको लॉ मालूम हो और कौन सा ऑर्गेनाइजेशन हमको कौन सी कमिटी या कौन सा गवर्नमेंट कौन सा कोर्ट हमको उसमें रिलीफ देने वाली है, जब हमें मालूम होगा तभी तो हम लड़ने के लिए जाएंगे। तो ये जो है ये चार्ट है, चिल्ड्रन प्लीडिंग एंड लेबर एक्ट है, इसमें 10 तरह के मैंने लिखे हैं, तो सबसे पहले आप जहां पे ऑर्गेनाइजेशन में हो या जिस ऑर्गेनाइजेशन में आप जाते हो तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि बच्चे के राइट्स क्या हैं और उसके लिए कौन कौन से लॉ गवर्नमेंट ने बनाए, अगर ये सारी चीजें आपको मालूम होगी देन बच्चों की राइट्स के लिए आप लीगली फाइट कर सकते हैं, आपको मालूम है कि कौन से लॉ का ऑफेंस हुआ है, कौन सा लॉ ब्रोकन हुआ है और कौन से लॉ के लिए हमको कौन सी कोर्ट में जाना है, कौन सी स्कूल में जाकर कोई बच्चा के एडमिशन नहीं मिल रहा है तो कौन से हमारे पास राइट ऑफ एजुकेशन हमारा क्या कहता है, उसके हिसाब से हम जा सकते हैं,
उसके बाद भी स्कूल और कॉलेज हमें अगर मदद नहीं करते हैं तो उसके खिलाफ हम कौन से हमारा फोरम है वहां जब भी जा सकते हैं। तो इसके लिए अगर आप इस फील्ड में हो तो उस लॉ की नॉलेज होना भी हमारे लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो ये सारे लॉ मैंने इसे यहाँ पे 10 लॉ है, इसके अलावा और भी है, लेकिन मेन इम्पोर्टेंट ये सारे लॉ है जो चाइल्ड प्रोटेक्शन की बात करता है। उसके बाद अब बात आती है आईपीसी में और सीआरपीसी में। तो सीआरपीसी में भी बच्चों के लिए एक प्रोविजन है, जैसे आईपीसी में भी है सेक्शन 82, 83, 89 में है कि कोई बच्चा अगर कमिट करता है, अगर 16 साल से कम है तो क्या सजा होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, कौन कौन सा क्राइम अप्लीकेबल होगा, किडनेपिंग है, इंसेस्ट एक्टिविटीज है, ट्रैफिकिंग है, इमोरल पर्पस है, इम्पोजिंग है, इतने सारे उसमें दी हुई है। तो आईपीसी की इस सेक्शन में ये लिखा हुआ है कि कौन सी क्राइम के लिए अगर बच्चों ने कमिट किया है तो उनके साथ क्या ऑफेंस होना चाहिए और क्या उनको सजा मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए। तो आईपीसी में थोड़ा प्रोविजन, उसकी डिलिमिटेड प्रोविजन दिया हुआ है। उसी प्रकार सीआरपीसी में, सीआरपीसी के सेक्शन 27 में आप जाओगे तो जुवेनाइल ऑफेंडर, जुवेनाइल ऑफेंडर किसको बोलते हैं, जो बच्चे 16 साल से कम है और कोई क्राइम वो कमिट करते हैं तो हम उनको जुवेनाइल बोलते हैं, राइट। तो उसमें 16 साल से उस फिर मजिस्ट्रेट के पास पावर है कि उसके खिलाफ कार्रवाई चलनी चाहिए या नहीं चलनी चाहिए, वो सीआरपीसी उस प्रोविजन की बात करता है। सेक्शन 27 सीआरपीसी में आपको ये प्रोविजन आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। अब बात आती है, जैसे मैंने कहा कि हम अभी जिस प्लेटफॉर्म पे हैं ये प्लेटफॉर्म मेनली हमारे बच्चों के लिए काम है, तो हमें हमको ये जरूर मालूम होगा या मालूम होना चाहिए कि हमारे चाइल्ड के राइट्स क्या हैं, राइट। तो ऑल पीपल अंडर जो एज 18 के अंदर हैं उनको सारे राइट्स वही हैं जो एक एडल्ट को है या लेडीज को है, उसको सारे राइट्स को सेम राइट हमारे चाइल्ड को भी मिलता है, जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया भी हमको उस राइट को देता है, राइट टू फ्री एंड कंपलसरी एलिमेंट्री एजुकेशन टू चिल्ड्रेन। 16 से 14 साल के जो भी बच्चे हैं तो आर्टिकल 21A उसका राइट हमको देता है, राइट ऑफ एजुकेशन का हर बच्चे के लिए 6 to 14। तो होता है क्या कि मान लीजिए आप ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम तो कर रहे हो, आप बच्चों के लिए भी जा रहे हो, लेकिन क्या बच्चों को अगर एजुकेशन नहीं मिल रही है, क्या उनके पास पैसा नहीं है, तो क्या कोई स्कूल उसको ऐसा तो नहीं मना कर रहा है कि नहीं आपको एडमिशन मैं नहीं दूंगा क्योंकि आप फीस नहीं भर रहे हो। हमारा आर्टिकल ने उनको राइट दिया होगा कि 6 से 14 साल का बच्चा है उसका एजुकेशन का राइट है। अगर आप इस राइट के साथ किसी भी कॉलेज में जाते हो तो आपके बच्चे का एडमिशन फ्री में होगा, लेकिन आपको लड़ाई लड़नी पड़ेगी। जब आपको मालूम रहेगा कि ये हमारा आर्टिकल है, ये राइट हमारे बच्चे का है, तभी तो आप लड़ाई लड़ोगे ना। तो आर्टिकल 21 उसकी बात करते हैं, वो गवर्नमेंट ने हमको राइट दिया है, हमको कॉन्स्टिट्यूशन ने हमको राइट दिया हमारे बच्चों को। तो अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन अगर उसको वायलेट करता है देन यू कैन अप्रोच टू द कोर्ट कि हमारे से वायलेशन हुआ है। राइट टू प्रोटेक्ट फ्रॉम द हार्डेस्ट एम्प्लॉयमेंट टिल एज, अब कोई बच्चा है लेबर लॉ में है 16 14 साल से कम है फिर भी उसको कोई काम करा रहा है, देन आप उसकी कंप्लेन कर सकते हो जहां पर उसको सजा भी हो सकती है। राइट टू बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम बींग एब्यूज एंड फोर्स इकोनॉमिक नेसेसिटी टू इंटर ऑक्यूपेशन, और कोई भी लड़का है आर्टिकल 39E क्या बोलता है कि कोई भी अगर ऐसा काम जो बच्चे के लिए पैसे के लिए कराया जा रहा हो, उसके ऑक्यूपेशन के लिए कराया जा रहा हो, वो भी नहीं कराया जा सकता। उसके बाद 39F, तो ये आर्टिकल हमारे पास है जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है हमारे बच्चों के लिए जो 16 साल से कम है, वो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमको राइट देता है। तो जब भी आप बच्चों के राइट के लिए लड़ने जाते हो तो केवल राइट के साथ साथ आप एक्ट को भी पढ़ो, आप उसके लॉ को भी पढ़ो, आर्टिकल को भी पढ़ो कि कौन सा आर्टिकल कौन सा एक्ट बच्चे को राइट्स के लिए बनाया गया है, देन यू कैन जस्टिस दिस द चिल्ड्रन। इसके अलावा और बच्चों के क्या कहना है, तो आर्टिकल 14 पढ़ लो, राइट ऑफ इक्वालिटी क्या है, राइट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन क्या है, जैसे किसी कास्ट के बेस पे भी वो नहीं हो सकते, तो आर्टिकल 15 उसकी बात करता है, उसके बाद राइट ऑफ, ये सारे एक्ट है। फिर स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, स्टेट मतलब अगर मान लो मध्य प्रदेश में है, महाराष्ट्र में है, क्या है, तो हर जो भी मिनिस्ट्री लेबर ऑफ चाइल्ड, मिनिस्ट्री ऑफ चाइल्ड एंड वुमेन वेलफेयर जो मिनिस्ट्री है, उसने क्या किया, हर स्टेट के साथ उसने एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया और उसमें लिखा है कि किसी भी स्टेट को क्या करना है और क्या नहीं करना। तो ये सारी चीजें मैंने यहाँ पे दी है, आप इसको ध्यान से पढ़ना कि किसी भी अगर अगर मान लो कि आप किसी बच्चे का राइट वायलेट होता है तो आपको गवर्नमेंट के साथ लड़ाई लड़नी है, तो आप तो लड़ाई तभी लड़ पाओगे ना जब मालूम पड़ेगा कि गवर्नमेंट ने उसको लॉ को वायलेट किया, देन यू कैन फाइट विद द गवर्नमेंट। तो आपको लॉ भी मालूम होना चाहिए, गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है वो भी मालूम होना चाहिए, बच्चे का राइट्स क्या है भी मालूम होना चाहिए, देन यू कैन फाइट फॉर द चाइल्ड ऑफ द राइट्स। उसके अलावा आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट 4 में ये सारे आर्टिकल्स हैं, 39E, 39F, 41, 44, 45, 46, ये सारे आर्टिकल्स हैं जो बच्चे के प्रोटेक्शन की बात करती है,
उनके डेवलपमेंट की बात करती है, उनकी रिफॉर्मेशन की बात करती है। ये सारे आर्टिकल्स हैं जो हमारे बच्चों के लिए बनाए गए। तो ये सारी चीजें जब भी आप फील्ड में जाओ या बच्चों के बीच में जाओ तो उनको भी आप अवेयर करो कि आपके राइट्स क्या हैं, और आप बच्चों के लिए आप फाइट कर रहे हो तो आप भी लोगों को बताओ कि बच्चों के क्या राइट्स हैं और राइट्स उनको मिलने चाहिए। इसके ऊपर बहुत से, अब जजमेंट की बात करते हैं तो इस पर बहुत से सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट भी आया हुआ है। ये सारे जजमेंट दिनेश वर्सेस एस्टेट ऑफ राजस्थान, इसमें क्या था कि कोई भी अगर जजमेंट, अगर विक्टिम है, बच्चा है या कोई लेडीज है, तो उसका नाम पब्लिश नहीं होना चाहिए, तो सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में एस्टेब्लिशमेंट कर दिया था। उसके बाद ये विशाल जीतर यूनियन ऑफ इंडिया, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला कि जो स्टेट गवर्नमेंट है, जो बच्चों के साथ जो प्रोस्टिट्यूशन की बात आती है, उनके लिए घर का इस्तेमाल, उनके लिए घर करके दे, रिफॉर्मेशन की व्यवस्था करे, उनके लिए पैसे की व्यवस्था करे, जिन बच्चों के साथ जो प्रोस्टिट्यूशन में है। तो ये सारे मैंने सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर दिए हैं। इन सारी चीजों को जब आप कोर्ट में जाओगे या किसी ऑर्गेनाइजेशन के पास जाओगे जहाँ वायलेशन हो रहा है, देन आप ये भी बता सकते हो कि बॉस हमारा ये एक्ट है, हमारे बच्चे का ये राइट है, ये सुप्रीम कोर्ट का हमारा गाइडलाइन है, अगर उसको कोई वायलेट करेगा तो उसके खिलाफ सजा होगी। तो ये आपको जब मालूम होगा देन यू कैन फाइट फॉर द राइट। तो पहला क्या है कि बच्चे का राइट्स क्या है, कौन सा एक्ट अप्लीकेबल है, सुप्रीम कोर्ट के क्या क्या ऑर्डर हमारे पास है, इन सारी चीजों की नॉलेज आपके पास होना चाहिए। तो ये सारी चीजें हमको सुप्रीम कोर्ट देता है। अब इसमें हमारा इंटरनेशनल लॉ क्या बोलता है, इंटरनेशनल लॉ यूएन हमारा चाइल्ड ऑफ राइट की बात करता है। तो आप इसको इंटरनेशनल में देखोगे तो ये पूरे जितने भी हमारे करीब 192 या 193 कंट्रीज है जिन लोगों ने साइन किया होगा, तो ये जिन कंट्री ने भी साइन किया उस कंट्री के ऊपर ये राइट्स ऑफ द चाइल्ड जो है अप्लीकेबल है। यूएन कन्वेंशन आप इसको पढ़ोगे तो चाइल्ड के बारे में बात होती है। तो ऐसा नहीं है कि आप केवल इंडिया की बात हो रही है, बल्कि इंटरनेशनल लेवल के ऊपर भी चाइल्ड राइट्स की बात होती है और उस पर अलग अलग कन्वेंशन हैं जो पूरे वर्ल्ड में अप्लीकेबल है। ठीक है, अब यहाँ पे बहुत से बच्चे भी होंगे मुझे लगता है, अभी अभी मुझे वीडियो ऑन नहीं तो मुझे मालूम नहीं पड़ रहा है, इसमें लगता है बहुत से बच्चे भी होंगे। तो मैं बच्चों को बताना चाहता हूँ कि हर बच्चा जो है एक यूनिक होता है, हर बच्चे के अंदर कुछ ना कुछ क्वालिटीज होती हैं, जरूरत है हमको उसको पहचानने की। जब आप बच्चों से मिलते हो या बच्चों के पेरेंट्स से मिलते हो या किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाते हो या ऑर्फन एज में जाते हो जहाँ बच्चे रहते हैं, वहां पे तो हर बच्चे की क्वालिटी होती है, हमको जरूरत है उस बच्चे की क्वालिटी को पहचानने के लिए। तो एक एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, जैसे रमेश बाबू, इसने कितने साल के में, 7 साल की एज में ये यंगेस्ट, सबसे यंगेस्ट मास्टर बना था जिसने चेस जीता था 7 साल की एज में। दूसरा है लेडियन का, इसने 2 साल से गिटार बजा रहा था और बाद में इसने फिल्म भी कंपोज किया, फिल्म के गाने भी इसने कंपोज किया और 2 साल का था तब से इसने किया। तो मैं ये बोला कि हर बच्चे के अंदर ये, कौटिल्य पंडित आपने केबीसी में इसको देखा होगा, केबीसी में भी इस बच्चे ने बिल्कुल तहलका मचा दिया था और बिल्कुल इसकी इतनी तारीफ हुई और उसको इंटरनेशनल लेवल पर उसको आइडेंटिफाई मिला। उसके बाद प्रेसनी सोमानी, इस लड़की ने भी, इसने स्टार्ट किया था मैथमेटिक्स का कैलकुलेशन का, इसकी कैलकुलेशन इतनी फास्ट है कि कंप्यूटर से ज्यादा भी ये फास्ट कर सकते, ये 6 साल की एज में इसने चैंपियनशिप जीत लिया था। उसके बाद इंटरनेशनल लेवल पे गई, वहां भी वो जीत कर आई। उसके बाद कुछ और एग्जाम्पल मैं आपको दूंगा, ये एग्जाम्पल है अवती कोरने का, जो यंगेस्ट पेंटर है जिसने पेंटिंग बनाई है उसको उसमें प्राइज भी मिले। उसके बाद तबले में तृप्तिराज पांड्या, इसने तबले में जब 2 साल का तब से तबला बजा रहा था, ऑल इंडिया रेडियो, दूरदर्शन जैसे उसमें काम किया, इसका नाम गिनीज बुक में भी है। तो मैं ये बोलना चाहता हूँ कि हर बच्चे के अंदर कुछ ना कुछ क्वालिटी है, जरूरत है उस क्वालिटी को हमको पहचानने की। हर बच्चे से आप मिलिए, उसकी क्वालिटी को पहचानिए कि वो गाना गा सकता है, पढ़ सकता है, इंटेलिजेंट हो सकता है, इंजीनियर बनेगा, डॉक्टर बनेगा, इन सारी चीजों की जांच हो सकती है और उसके हिसाब से बच्चों की अगर डेवलपमेंट की जाए तो उसके फ्यूचर में उस मुकाम तक पहुंचने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इसके साथ मैं इसको बस मैं समाप्त करूंगा और चाइल्ड कन्वर्सन फाउंडेशन और राष्ट्रीय सेवा भारती को मैं धन्यवाद करूंगा कि मुझे मौका दिया। तो इन सारी चीजों को साथ अभी मैं बंद करता हूँ। जी संजय सर, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शानदार जानकारियां दी। 10 से 15 साल तक ब्लड स्टेन रहते हैं जिसको आप एविडेंस के रूप में प्रेजेंट कर सकते हैं, ऐसी छोटी छोटी जानकारियां बच्चों के लिए, और जो लोग बच्चों के क्षेत्र में काम कर रहे हैं उनके लिए निश्चित रूप से ये जानकारी आज की एक मील का पत्थर साबित होगी। हम इसके पहले कि आगे बढ़े, हमारे अध्यक्ष जी जुड़े हुए हैं और मैं आपके साथ साथ नम्रता मैडम का भी धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने आपको ढूंढ करके इतने अच्छे प्लेटफॉर्म के लिए हमें इंट्रोड्यूस किया आपसे। अध्यक्ष जी जुड़े हुए हैं, मैं अध्यक्ष जी से आग्रह करूंगा कि वो अपना अध्यक्षीय उद्बोधन दें
उसके बाद हम इस सत्र को ओपन करेंगे। आईटी टीम प्लीज ओपन दिस सेशन फॉर एवरीवन। राघवेंद्र जी भाई साहब, डॉक्टर साहब, कृपा जी, कृपा शंकर जी, जी मेरी रिक्वेस्ट ये है कि मैं आज पूरे समय जुड़ूंगा रहूंगा, तो अभी प्रश्न उत्तर ही हम शुरू कर दे, मैं वो भी सुनूंगा और इसके बाद में मुझे कुछ कहना होगा तो मैं कहूंगा। ठीक है, ठीक, तो क्वेश्चन आंसर के लिए हम बहुत अच्छा सत्र है डॉक्टर साहब, बहुत अच्छी तरह से उन्होंने उसको बताया है, वो जानकारी है जो हम सबको काम आने वाली है, इसलिए मैं प्रश्न उत्तर भी सुनना चाहूंगा। ठीक है जी, लक्ष्मण सर अपना प्रश्न रखें, प्रश्न ही रखें, शॉर्ट में रखें, क्योंकि मुझे पता है आज लगभग 20 प्रश्न मेरे पास आ चुके हैं, बिल्कुल शॉर्ट में रखें अपना प्रश्न। जी नमस्ते संजय जी साहब जी, आई एम फ्रॉम त्रिपुरा स्मॉल स्टेट, त्रिपुरा स्टेट। हाँ, कैसे लक्ष्मण, बोलिए सर, क्या सवाल है आपका? सवाल ये है, आप तो बोला ब्लड का सैंपल 10 साल तक रहता है बट द यूरिन अदर थिंग्स हाउ फार इट इज एग्जिस्ट टू गेट द फॉरेंसिक एविडेंसेस बियॉन्ड द ब्लड। अनदर क्वेश्चन सपोज a bullet came from the offender and it is injected to the only body, but how it will be proved that the person who committed this offense? ठीक है, आपके दो सवाल है। पहला सवाल है कि अगर यूरिन है तो हम उसकी एज को कैसे पता लगाएंगे, और दूसरा आपका ये सवाल है कि अगर बुलेट चली है तो उस बुलेट से ही उस आदमी को कैसे, किसने मारा है, हम उसको कैसे कनेक्ट करेंगे, राइट? ठीक है, तो जो यूरिन है, अगर यूरिन मान लो कहते यूरिन अगर हमको ताजा मिलता है तो हम उसको स्टोर कर सकते हैं, वो 10 साल या 20 साल भी रहेगा, लेकिन अगर हमको, क्योंकि यूरिन के साथ साथ उसका जो उसके यूरिन के अंदर जो केमिकल्स मिले होते हैं उसकी एक एज होती है, 2 दिन 4 दिन 5 दिन 10 दिन, अगर उस पीरियड में उस यूरिन को अगर कलेक्ट कर लिया जाए और उसको लैब तक पहुंचा दिया जाए तो हम उसको उसको रख सकते हैं कंटेनर के अंदर और उसको कई साल तक हम रख सकते हैं, 2 साल 10 साल 20 साल 50 साल जितने साल चाहे हम उसको रख सकते हैं वहां पे, तो उसकी एज पूछनी है अगर हम उसको लैब में पहुंचा दे तो। और दूसरी बात आपकी है कि किसी आदमी ने अगर किसी को बुलेट से थ्रू किया तो अगर हमारे पास गन हो, गन कि किस गन से वो बुलेट चली है और उस गन के ऊपर उसके निशान होंगे फिंगरप्रिंट्स का। और दूसरी बात क्या होती है कि कोई भी जब गन चलती है ना तो गन से गोली तो आगे निकलती है लेकिन पीछे से उसका एक आप देखोगे तो बारूद भी निकलता है, हमको दिखाई नहीं देता है लेकिन एक बारूद निकलता है, तो बारूद जब पीछे से निकलता है ना तो हमारे कपड़े पे हमारे बालों में वो बारूद लग जाता है, तो जब पुलिस जांच करती है तो ये बारूद उसके कपड़े पे है या नहीं है हम उसको एस्टेब्लिश कर सकते हैं। और दूसरी बात, वो बारूद जो है उसी बुलेट से चली है कि नहीं चली है, उसी बंदूक से चली है कि नहीं चली, इसकी जांच कर सकते हैं, उसके हिसाब से फिर हम उसको कनेक्ट कर सकते हैं। जी सर, एक प्रश्न राहुल का आया है, पहले हम ले लेते हैं, हमारे साथ लगातार जुड़ता है वो बालक, त्रिपुरा से ही है। हाउ टू बिकम अ क्रिमिनोलॉजिकल साइंटिस्ट एंड कैन ब्लड गिव अ कंप्लीट डिस्क्रिप्शन अबाउट द क्रिमिनल? हाँ, हम क्रिमिनल साइंटिस्ट बनना हो तो उसके लिए अगर आप मास्टर की पढ़ाई करते हो, अगर मान लीजिए कि आपने इसमें अपने आर्ट से किया हो या आपने कॉमर्स में किया हो, साइंस से पढ़ाई की हो, अगर साइंस से किया तो बेटर है, उसके करने के बाद अगर आप मास्टर कर लेते हो इन क्रिमिनल साइंस, इन क्रिमिनोलॉजी या क्रिमिनल लॉ या फॉरेंसिक साइंस, तो मास्टर की डिग्री मिलने के बाद आप क्रिमिनोलॉजिस्ट कहे जा सकते हो। उसके बाद अगर पीएचडी करते हो आप, तो पीएचडी करने के बाद आपके साथ डॉक्टर लग जाता है, लेकिन मास्टर की डिग्री अगर आपके पास है फॉरेंसिक साइंस में हो या क्रिमिनल लॉ में हो या क्रिमिनोलॉजी में हो, देन यू कैन बी द क्रिमिनोलॉजिस्ट। जी, डॉक्टर गरिमा मिश्रा छिंदवाड़ा से जुड़ी हुई है, पीडियाट्रिशियन है। डॉक्टर साहब अपने प्रश्न रखें। सर बहुत ही अच्छा टॉपिक था आपका और मुझे थोड़ा कुछ पता करना है। मैं इंडिया में बहुत सालों बाद लौट करके आई थी, तो बाहर के बहुत सारे चाइल्ड प्रोटेक्शन के वो रहते हैं अपने पास में, बहुत अच्छे लॉज हैं जिसमें काफी सारा चाइल्ड प्रोटेक्शन का रहता है, पर इंडिया के लॉज के बारे में मुझे ज्यादा पता नहीं, तो मुझे आपसे ये पता करना है। मैं न्यू बॉर्न बेबीज के साथ में काम करती हूँ, तो हमारे पास बहुत सारे बार ऐसे लोग आते हैं मतलब जिसमें आपको ऑब्वियस जो निग्लेक्ट है वो समझ में आता है, लेकिन अपने पास क्या होता है ये सब ना ट्राइबल एरियाज, हम जिंदवाड़ा में काम कर रहे हैं वहां पे ना ट्राइबल एरियाज बहुत है, तो ये सब ट्राइबल एरियाज वाले लोग रहते हैं, ये लैक ऑफ एजुकेशन, लैक ऑफ फाइनेंस ऐसे बोल करके हमको बता देते हैं कि नहीं हम नहीं कर पाए, बट ये होता है ना कि ऑब्वियसली आपको समझ में आ रहा है कि ये निग्लेक्ट हो रहा है बच्चों के साथ में, चार चार पांच पांच बच्चे हैं, छठा बच्चा है, कोई एंटीनेटल केयर नहीं किया, कुछ नहीं किया, तो डू वी हैव समथिंग लाइक, हमारे पास लॉज है क्या मतलब न्यू बॉर्न बेबीज के
लिए या अनबॉर्न बेबीज के लिए हमारे लॉज हैं क्या? और दूसरा क्वेश्चन जो मेरा है ना, जो आपने जैसे बताया कि हम रिपोर्ट कर सकते हैं जो नाबालिग बच्चे होते हैं उनके उनके साथ में अगर कुछ भी गलत हो रहा हो तो हम रिपोर्ट कर सकते हैं, पर मुझे ये बताइए, रिपोर्ट तो आपने कर दिया लेकिन हमारे पास इसके आगे जो एक स्टेप फॉरवर्ड कुछ है क्या उन बच्चों को प्लेस करने के लिए? मतलब हमने मान लीजिए एक बच्चा हमने देखा कि वो 14-15 साल का है, घर में आकर के झाड़ू पोछा करता है, तो हमने रिपोर्ट कर दिया और उसका काम छुड़वा दिया जिसने उसको काम पे लगाया, उसके अगेंस्ट कंप्लेन भी हो गई। ब्रीफ क्वेश्चन, सॉरी बस इतना खत्म हो गया। तो हमें इस बच्चे को ठीक है यहाँ से तो काम छुड़वा दिया, अब ये कहीं और जाके काम कर लेगा, तो हम इन बच्चों को प्लेस करने के लिए कोई है क्या हमारे पास कोई रूल्स? आपका क्वेश्चन बिल्कुल सही है और ये बहुत ही डेली क्वेश्चन ऐसे हमारे सामने आते रहते हैं। देखिए, आपका कहना सही है, हम बच्चों के प्रोटेक्शन की लॉ हमारे पास है लेकिन बच्चों के लिए लड़ाई लड़ने के लिए हमारे पास वॉलंटियर कम है, क्योंकि होता क्या है, हमारे पास हमको मालूम है ऑफेंस हुआ, उसके बाद अगर ऑफेंस हुआ, मान लीजिए आप ट्राइबल एरिया में जा रही हैं, आपको मालूम है कि जो बच्चा फेंक रहे हैं उसका उसके भी राइट्स, उसका 2-4 साल का है उसके भी राइट्स हैं, लेकिन राइट वॉलेट हो रहा है, तो वॉलेट अगर राइट होता है तो उसको न्याय कौन देगा? उसको न्याय डेफिनेटली कोई ना कोई इंस्टीट्यूशन देने वाली है, या वहाँ का तहसीलदार हो, वहाँ का सीईओ हो, वहाँ का डीएम हो, या वहाँ का लोअर कोर्ट हो, वही आपको जस्टिस देने वाले। तो ये हमारी ड्यूटी बनती है कि हम उनको अप्रोच करें और हम उनको बताएं कि यहाँ पे वायलेशन हुआ है, और हम तभी उनसे लड़ाई लड़ सकते हैं जब उनको लॉ मालूम हो। आपको जैसे मैं पीपीटी शेयर करूंगा, ऑलमोस्ट सारे इंडिया के जितने भी लॉ है मैंने उसको कवर करने की कोशिश उसमें की है, तो आपको लॉ मालूम करना है कि इस सेक्शन का वायलेशन हुआ है, देन यू विल गेट द जस्टिस फ्रॉम द पर्टिकुलर फोरम। ये सबसे पहले आपको मालूम जी, इसमें चाइल्ड वेलफेयर कमेटी, जुवेनाइल बोर्ड और बाल आयोग की भूमिका महत्वपूर्ण होती है, आप कहीं पे भी शिकायत कर सकते हैं, बच्चों के अधिकारों के लिए ही काम करते हैं। नवीन सर, इसमें ऐड करूंगा, क्योंकि जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं हर स्टेट का सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ हुआ है, मैं सही बोल रहा हूं सर? तो सर एक कॉन्ट्रैक्ट साइन है, उस कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है कि स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, उसको सारी उस स्टेट में आपको चेक करना है कि बच्चों के लिए स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, स्टेट उसको वॉयलेट कर तो नहीं रहा है। अगर मान लो कि सबसे पहले इसमें अगर स्टेट ने वॉयलेट किया है, आप उस मंत्रालय में जाओ, उस डिपार्टमेंट जाओ, सब आपका सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ आपका एक कॉन्ट्रैक्ट है, इसमें ये लिखी हुई है, उसका वॉयलेशन हो गया है, तो आप हमारे बच्चों को न्याय मिलना चाहिए, डेफिनेटली विल गेट द जस्टिस, हमको राइट डायरेक्शन में जाना पड़ेगा। नवीन सर अपना प्रश्न रखें, दिल्ली से है, माननीय हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं, और नवीन सर अपना प्रश्न रखें। जी, गुड इवनिंग मिस्टर संजय, इट वाज अ वेरी नाइस सेशन यू हैव यू नो डिलीवर, दो आई हैव कपल ऑफ क्वेश्चन ऑन दिस एस्पेक्ट। सी आई हैव टू क्वेश्चन बेसिकली, वन, सी आई मीन यू सेड दैट यू नो फिंगरप्रिंट इज मैच इन दिस अर्थ, राइट? बट यू नो my question in you know with respect to section 45 and you know the legal principle as we understood in criminal law, we say that we have to prove beyond reasonable doubt, that is one thing I say. Second, you know, that is the opinion under section 45 of Evidence Act, it is not the colorative but it is the reference evidence. You said it is not the matching, but I have just gone through a report of Columbia University. We said that AI says that there is the fingerprint one. So what is your opinion on that? That you know the AI, especially the deep face and the voice dubbing, you know, which has been happening. What is the forensic in this aspect one? Second, the ink of age, you said, right? Because I was dealing with one of the cases and there was a question. This is second question. Is there any facility available in India where we can determine the age of ink? Because there was a judgment of Madras High Court, it says that there is no facility at all. If it is there, which laboratory? Third, I would like to know that in the case of rape, can we determine on the basis of forensic sign, sir, that there was a consent on that during the intercourse, sir? Yes, sir. ठीक है, आप तो खुद एडवोकेट है सुप्रीम कोर्ट के लेवल में, तो जूनियर हो आप एक्चुअली। नो, आई नो यू आर द एक्सपर्ट इन एंड बिकॉज़ आई हैव क्यूरियोसिटी, दैट्स व्हाई आई आस्क। हां ठीक है, तो मैं पहला आपने जो बताया कि अगर फिंगरप्रिंट्स मैच नहीं होता है,
आपकी जो पहला क्वेश्चन था, नहीं नहीं आपने कहा कि फिंगरप्रिंट कभी भी एक जैसे नहीं होते, पर कोलंबिया यूनिवर्सिटी की अभी लेटेस्ट रिपोर्ट है, उन्होंने कहा ये ऐसा नहीं है कि फिंगरप्रिंट मैच नहीं होते, देर फिंगरप्रिंट मैच होते हैं, अलग अलग फिंगरप्रिंट सबको यूनिक हो ऐसा नहीं है। नहीं ऐसा, हाँ इसमें मैं बोलना चाहूंगा, वो अभी तक प्रूव नहीं हुआ है, अभी अभी तक उसका इन्वेस्टिगेशन ही चला, अभी तक वो रिसर्च पीरियड में है। अभी तक जितने भी एफबीआई हैं या जितने भी बड़े ऑर्गेनाइजेशन हैं या वर्ल्ड में, अभी तक किसी का भी फिंगरप्रिंट अभी तक मैच नहीं हुआ, यहाँ तक ट्विंस के भी फिंगरप्रिंट मैच नहीं हुआ। तो जिस कोलंबिया की बात कर रहे हैं अभी वो फर्स्ट फेज में है, इट इज नॉट डिटरमाइंड येट, अभी तक एस्टेब्लिशमेंट नहीं हुई है, अभी तक किसी भी बड़े ऑर्गेनाइजेशन ने या किसी कंट्री ने एक्सेप्ट नहीं किया उसको, अभी भी वो इनिशियल स्टेज में। तो आपका कहना हो सकता है आने वाले टाइम में ये प्रूव हो जाए कि लोगों के फिंगरप्रिंट से मैच हो सकते हैं, लेकिन आज की डेट में एस्टेब्लिशमेंट अभी नहीं हुई, इस पर रिसर्च चल रहा है पहली बार फिंगरप्रिंट्स के बारे में, ठीक है। दूसरा आपका सवाल था एज ऑफिंग, हाँ एज ऑफिंग, एक जो मद्रास हाई कोर्ट ने, आप जो बोला मद्रास हाई कोर्ट ने आपको सही बोला है, लेकिन होता क्या है कोर्ट के पास बहुत सारी इन्फॉर्मेशन लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन नहीं होती है, क्योंकि हमारे इंडिया में भी एज ऑफ इंग पता लगाया जा सकता है। तो आपको हैदराबाद में एक ट्रूथ लैब है, ट्रूथ लैब TRUTH ट्रूथ लैब है, हर और हर स्टेट के अंदर एक गवर्नमेंट का भी खुद का भी ऑर्गेनाइजेशन है, फॉरेंसिक साइंस, महाराष्ट्र फॉरेंसिक साइंस इंस्टीट्यूशन, ऐसा करके हर स्टेट के अंदर है, लेकिन ये भी सच है कि कोर्ट उस एडमिसिबल को नहीं मानती है। हमारे पास टेक्नोलॉजी है, हम एज ऑफ इंग पता लगा सकते हैं, लेकिन कोर्ट में एडमिसिबल नहीं हो अभी आज की डेट में, कोर्ट उसको नहीं मानती है, लेकिन हमारे पास टेक्नोलॉजी है कि हम पता लगा सकते हैं। थर्ड एज कंसेंट ड्यूरिंग द इंटरकोर्स इन रेप केसेस, हाँ यहाँ पे बहुत सी लेडीज बैठी हैं, तो ठीक है फिर भी लीगल क्वेश्चन पूछा, मैं बताता हूँ आपको। आपने टू फिंगरप्रिंट टेस्ट आपने सुना होगा ना, सुप्रीम कोर्ट ने शट डाउन कर दिया, देखिए ये आपने जो सही बोला कि अगर किसी ने कंसुलर सेक्स किया हो, लेडीज और जेंट्स ने दोनों साथ में सेक्स किया हो, और बाद में लड़की इल्जाम लगा देते हैं कि मेरे साथ रेप हो गया, और बच्चे को उसको सजा हो जाती है या अरेस्ट हो जाता है, हम ऑफकोर्स पता लगा सकते हैं कि कंसेंट के साथ हुआ है कि नहीं हुआ। लेकिन होता क्या है कि पहले तो उनके साथ अफेयर्स होता है, फिर आपस में प्यार होता है, फिर सेक्स हो जाता है, सेक्स होने के बाद आपस में डिस्प्यूट होता है, तो 2-4 साल के बाद वो लोग रेप आरोप लगाने के लिए जाते हैं कि 2 साल पहले हमारे साथ। व्हाट अंडर व्हिच यू नो फ्रेजोलॉजी वी यूज फॉर दिस, वो अगर बता दें आप, मतलब किस में है, तो इट विल बी इजी फॉर अस। एक बार दोबारा सवाल रिपीट, फॉरेंसिक साइंस। नवीन सर एक क्वेश्चन, 8 लोग 9 लोग लाइन में हैं सर जी। नहीं लास्ट बता देता हूँ कि अगर विद इन द 48 आवर्स या 2 से 3 दिन के अंदर अगर ये कंप्लेंट फाइल हो, तो हम ये पता लगा सकते हैं कि वो कंसेंट था या नहीं था, क्योंकि कंसेंट नहीं होगा तो बहुत से फॉरेंसिक्स मास हमको मिल जाएंगे जी। अगर विद टाइम हो 2 से 3 दिन में, तो हम पता लगा सकते हैं कि उसमें कंसेंट उसका है या नहीं, बिल्कुल पता लगा सकते हैं 100%। मोनिका जी अपना प्रश्न रखे हैं, मोनिका जी झारखंड से जुड़ी हैं, न्यू बॉर्न बेबी एंड स्पेशली अबेंडेंट बेबी पर बहुत अच्छा काम करती हैं। मोनिका जी अपना प्रश्न रखे। नमस्कार संजय जी, नमस्कार कृपा शंकर जी। संजय जी मैं आज की जाना चाहती, पहले तो मैं थैंक्स करूंगी, सेशन बहुत ही वर्दी है स्पेशली मेरे लिए, क्योंकि जैसा इन्होंने बताया कृपा शंकर जी ने कि इन्फेंटिसाइड और अबेंडेंट बेबीज पर काम करती है, और मेरा सवाल भी इससे जुड़ा हुआ है। आमतौर पर जब भी कोई बेबी मिलता है, वो चाहे किसी हालत में मिले या फिर डेड कंडीशन में मिले, तो जो क्राइम सीन होता है ना, पूरा डिस्टर्ब हो जाता है लोकल्स के द्वारा, वहाँ पे इतनी ज्यादा भीड़ इकट्ठी हो जाती है, तो पुलिस को वहां से ये सबूत इकट्ठे करने में, फिंगरप्रिंट्स और ये सब कलेक्ट करने में बड़ी दिक्कत होती है। मैं क्योंकि पुलिस की यहाँ पर ट्रेनिंग भी देती हूँ, ट्रेनर भी हूँ, तो आप क्या मुझे थोड़ा सा कुछ बता सकते हैं कि कैसे उनको लीड मिल सके इस तरह के क्राइम में? हाँ ठीक है, देखो आप, ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन होता क्या कि जब भी कोई क्राइम होता है, तो क्राइम के बाद तो सबसे पहले पत्रकार पहुंच जाता है वहाँ पे, वो सारे हमारा क्राइम सीन डिस्टर्ब कर देते हैं, हमारे जितने बेटे में सबको नष्ट कर दे, यहाँ तक कि पुलिस भी कई बार आती है, वो भी धमाचे अपने मचा देती है वहाँ पे। तो सबसे पहले जो मैंने आपको बताया कि कोई भी जगह अगर क्राइम होती है, तो सबसे पहला जो हमारा काम है उस क्राइम सीन को प्रोटेक्ट करना, सबसे पहले हमारी ड्यूटी, पहला काम है, फर्स्ट है वो।
उसमें अगर पुलिस अगर टाइम पे नहीं आती है, अगर आपको मालूम पड़ा कि क्राइम यहाँ पे हुआ है, ये बच्चा है, इसके साथ रेप हुआ है, रॉबरी हुई है, या एक्सप्लोजन हुआ है, या बॉबी की डेट पड़ी, डेट बढ़ी है, जो भी है, अगर आपको भी मालूम पड़ता है या तो या किसी और को मालूम पड़ता है, तो सबसे पहले उस आदमी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है उस क्राइम सीन को प्रोटेक्ट करे, सबसे पहला काम वो करे। उसके बाद वो पुलिस को इन्फॉर्म करे, उसके बाद पुलिस आने के बाद उसकी एक रूल्स है कि क्राइम सीन को कैसे इन्वेस्टिगेट करना है, वहाँ कोई भी समाज नहीं होने चाहिए, कोई भी क्राइम सीन के अंदर नहीं आना चाहिए। आपको 15x15 का एक बाउंड्री बनानी है जहाँ पे क्राइम हुआ है। अगर 15x15 की आप इतने बाउंड्री आपने बना लिया और कुर्सी की भी एंट्री नहीं होती वहाँ पे, तो देन आप आराम से आप उसको एस्टेब्लिशमेंट कर सकते हो कि वहाँ पे कितना एविडेंस है, उसको कनेक्ट कर सकते हो। ये पहला रूल है, ग्राउंड रूल है 15x15। ये तो ठीक है, लेकिन कई बार जैसे बच्चा चीटिंग होता है तो उसको तो सबसे पहले जरूरत इलाज की होती है कि बिना किसी का इंतजार किए बच्चे को वहां से उठा के आप सबसे पहले उसके साथ साथ जैसे बच्चा को घायल अवस्था मिलता है इमीडिएट आप उसका फोटो क्लिक कीजिए, फोटो और वीडियो आप कर दीजिए, क्योंकि आपके क्योंकि आपको खुद को भी प्रोटेक्ट करना है। अगर बच्चा घायल अवस्था में जाता है तो हमारी ड्यूटी की सबसे पहले हम उसको हॉस्पिटल लेके जाए, ये हमारी ड्यूटी बनती है। लेकिन हमारी ये भी ड्यूटी बनती है कि बच्चे जिस पोजिशन में हमको मिला उसका बच्चे का आपका कैमरा मौजूद है तो इमीडिएट उसके क्लोजअप शॉट लेफ्ट राइट फ्रंट से उसके सारे फोटोग्राफ आप ले लीजिए, क्योंकि ये फोटोग्राफ बाद में एस्टेब्लिशमेंट होने वाली है कोर्ट के अंदर। अगर मान लीजिए किसी बच्चे का मारा मारी ब्लड आ रहा और आपने फोटो नहीं लिया तो आप एस्टेब्लिशमेंट नहीं कर पाओगे कि बच्चा आपको किस हालत में मिला। अगर फोटो हमारे पास हो तो फोटो से हमें पता लगा सकते हैं कि बच्चे की स्थिति क्या थी, कितने घाव लगे थे, कितना ब्लड गया था, ये भी पता लगा सकते हैं। तो सबसे पहला काम आपको उसके फोटोग्राफ्स और वीडियोज लेने हैं, उसके बाद आप बच्चे को हॉस्पिटल लेकर जाइए। अगर आपको मौका मिलता तो प्लीज इमीडिएट कॉल कीजिए, तो ही आप उसको एस्टेब्लिशमेंट कर पाएंगे, तो बाद में एविडेंस से वो डिस्ट्रॉय। जी थैंक यू सर। जी इंडियन टेक्निकल कहाँ से जुड़े हैं, थोड़ा अपना परिचय भी दे दीजिएगा सब। हाँ सर, मैं नवी मुंबई से जुड़ा हूँ। संजय सर के यहाँ मैं मोटकोट में हमेशा अटेंड करता हूँ, हमारे कॉलेज में सर आते हैं। थैंक यू सर, आपका जो फॉरेंसिक साइंस आपने सिखाया इसमें अच्छा मुझे सीखने को मिला। सर मेरा एक ये क्वेश्चन है कि अगर कोई नवजात बच्चा हो जिसके दांत भी ना हो, अगर वो किसी दुर्घटना में किसी इनकेस अगर वो उसकी डेथ हो जाए, अगर उसको जमीन में दफनाने के बाद उसके जो अवशेष होते हैं, हेयर्स होते हैं, बोन्स, स्केलेटन रहते, वो कितने टाइम तक रह सकते हैं? हाँ, उसके कई सालों तक रह सकते। देखो पहले क्या होता है, जैसे बच्चा को दफनाया तो धीरे धीरे क्या है कि बॉडी डीकम्पोज होना शुरू हो जाती है, ठीक है। और जैसे जैसे बच्चे कोई भी बॉडी मरती है तो क्या होता है उसमें कीड़े लग जाते हैं, तो हमारा साइंटिस्ट क्या करता है ना, वो बॉडी की जांच नहीं करता है, वो जांच करता है कीड़े का। कीड़े का एक साइकिल होता है कि वो एक हफ्ते में आएगा, 10 दिन में आएगा, 2 महीने में आएगा, 6 महीने में आएगा, साल भर में जाएगा। तो जो कीड़ा लगता है ना बॉडी के अंदर, तो उस कीड़े की सर्किल की जांच होती है कि कीड़ा कितने टाइम पहले पैदा हुआ, उससे हम पता लगा सकते हैं। और तुमने जो बोला कि बॉडी को हम जांच के पता लगा सकते हैं कि अगर मान लो कि बॉडी की अगर हमको एग्जैक्ट बॉडी मालूम पड़ा कि बॉडी को यहाँ पे दफनाया गया है, वो 2 साल हो, 10 साल हो, 15 साल हो, 20 साल हो, तो आज की डेट में हमारे पास टेक्नोलॉजी है कि हम 10 साल के बाद अगर कोई बॉडी हमारे पास आती है तो हम उसके डेथ ऑफ कॉज पता लगा सकते हैं कि इसकी डेथ क्यों हुई, पता लगा सकते हैं। 4 से 5 महीने के बच्चे की भी इतने लेट तक पता चल जाता है? बिल्कुल हाँ, क्योंकि हड्डी की जो डेवलपमेंट होती है ना, क्योंकि एज के साथ साथ हड्डी भी उसी हिसाब से बढ़ती है, तो अगर हमारे सामने हड्डी आती है ना तो हम ये पता लगा सकते हैं कि इसकी एज जो है 10 से 15 साल है या 20 से 25 साल है, वो एज भी पता लगा सकते हैं। ओके थैंक यू सर। मनु श्रीवास्तव जी विदिशा से जुड़े हुए हैं, जुविनाइल बोर्ड में मेंबर थे पहले, अभी भी हैं संभवतः। मनु जी अपना प्रश्न रखें। जी सर नमस्कार। सर जैसा आपने अभी बताया वेबिनार में कि एडॉप्शन में फॉरेंसिक की महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है, तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि नवजात बच्चों में भी अपन ये मैचिंग वगैरह की कार्रवाई कर सकते हैं या फिर उसके लिए एक पर्टिकुलर एज लिमिट फिक्स है? देखिए आपका कहना सही है, अगर आप मुझसे पूछेंगे मैं तो बोलूंगा यस कर सकते हैं, लेकिन ये प्रैक्टिकल नहीं है, क्योंकि मैं तो साइंटिस्ट हूँ, मुझे मालूम है कि मैं मेरी रिसर्च जो बच्चा पेट में होता तभी से मेरा रिसर्च शुरू हो जाता है, उसके फिंगरप्रिंट्स आने शुरू हो जाते हैं, तो 3 महीने का जब बच्चा पेट में रहता है तो मेरा रिसर्च का काम शुरू होता है। मेरे लिए तो अप्लीकेबल है, लेकिन ये आम लाइफ में अप्लीकेबल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि बच्चे का जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है, हम ये मोस्टली मान के चलते हैं कि उसकी 5 साल से 10 साल की जो एज होती है वो राइट एज, तो 5 साल से कम का बच्चा है देन हम एडॉप्शन में हम उसको
एस्टेब्लिशमेंट नहीं कर सकते, बच्चे की मानसिकता को हम नहीं पढ़ सकते। लेकिन अगर मैं हूं तो मैं कर सकता हूं क्योंकि मेरा रिसर्च इसके ऊपर है। लेकिन जो कानूनन है या जो साइकोलॉजिस्ट है, 5 से 10 साल का बच्चा हो देन वो एस्टेब्लिशमेंट कर सकता है कि उसका पेरेंट्स के साथ उसका कॉम्बिनेशन क्या होगा या नहीं होगा उसको पता लगा सकते। जी सर, एक और क्वेश्चन मैं ये जानना चाहता हूँ कि 5 से 10 साल का बच्चा जो है उसकी असेसमेंट के लिए क्या प्रोसीजर है, क्योंकि अभी क्या होता है एक प्रोसीजर भी जो चल रहा है एडॉप्शन में, प्री एडॉप्शन वाला, तो उससे क्या होता है कभी बच्चा अगर रिजेक्ट हो जाता है तो बच्चे को भी मेंटली हर्ट होती है उसमें कभी कभी, वो अपन कैसे कर सकते हैं, आपका इसमें भूमिका कैसे अपन इसमें जोड़ सकते हैं। हाँ देखिए, इसमें अगर आपका ये कहना है, आवाज आ रही है सर? जी सर। ठीक है, देखिए आपका ये कहना है कि मान ली 5 साल का बच्चा है और बाद में किसी ने अपडेट किया, बाद में उसको रिजेक्ट कर दिया, तो बच्चे की मेंटेलिटी पे भी फर्क पड़ता है उस चीजों का, रिजेक्शन का। ठीक है, तो अगर किसी भी बच्चे को अडॉप्ट करना है या कोई पेरेंट्स को लेना चाहते हैं, तो मैंने बताया एक होता है कॉग्निटिव डेवलपमेंट। अगर हमारे पास कॉग्निटिव डेवलपमेंट की नॉलेज है तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट की नॉलेज किसके पास होती है, वो होती है साइकोलॉजिस्ट के पास, क्योंकि डिग्री उसके पास रहती है। किसी भी बच्चे का डेवलपमेंट 1 साल में 2 साल में 5 साल में 10 साल में, उसकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट कैसे कैसे हुई है और किस एज में बच्चे का मेंटल एसेसेस क्या है, उसकी स्टडी करने के बाद हम इस बात को एस्टेब्लिशमेंट कर सकते हैं कि पेरेंट्स के साथ जो एडॉप्शन जो पेरेंट्स को लेना चाहते हैं उनके साथ उसका कन्वेंशन होगा या नहीं होगा, हम उसके एस्टेब्लिशमेंट कर सकते हैं बेस्ड ऑन द कॉग्निटिव डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड। दो प्रश्न और ले लें, उसके पहले एक दो सूचनाएं हैं जो मैं पहले भी दिया था और आप सभी के समक्ष रख रहा हूं क्योंकि अध्यक्ष भी जुड़े हुए हैं। एक तो हम अपने 200वें वेबिनार की तरफ बढ़ रहे हैं, 28 अप्रैल को हमारा 200वां वेबिनार होगा, तो उसकी क्या भूमिका रहेगी, तो आप सभी से निवेदन है कि आने वाले 2-3 सप्ताह तक जो भी हम फ्लायर आपके सामने भेज रहे हैं विषय, उनको आप अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी शेयर करें कि अधिक से अधिक लोग जुड़ सकें। दूसरा एक हम और रचना करने जा रहे हैं सर, उन बच्चों के लिए जो कानून की पढ़ाई करना चाहते हैं, जो कानून में जुडिशरी से लेकर किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए हम CCF की तरफ से एक्सक्लूसिव क्लासेस स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आप लोग जो भी पूरे देश से, चूंकि आज मैं देख रहा हूँ 50 संख्या लगभग 20-21 राज्यों से जुड़ी है, तो आप अपने हर राज्य के लॉ कॉलेजेस में या उन बच्चों को जो बच्चे इसमें ज्वाइन करना चाहते हैं, जो बच्चे कंपटीशन की तैयारी करना चाहते हैं, उनका नंबर आप ले सकते हैं जिससे हम उनको जोड़ सकें। हो सकता है अगले सप्ताह या उसके 1-2 सप्ताह में ये हम चालू करने वाले हैं। लोकेंद्र जी जुड़े हुए हैं, हमारे ITT हमारे लीगल सेल भी हैं, एडवोकेट हैं और काफी सालों से बच्चों के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। लोकेंद्र जी अपना प्रश्न रखें। जी नमस्कार, मैं आदरणीय संजय जी से ये निवेदन कर रहा था, जिसे अभी आपने बताया है कि नागरिकों के क्या अधिकार हैं, तो नागरिकों ने प्रोटेक्ट करना चाहिए 15 फीट तक और जो साइड सीन है उसको ठीक से प्रोटेक्ट कर लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे सोशल वर्कर जुड़े हैं और वो कहीं ना कहीं लीगल फेस को देखते हैं या फिर जुडिशियल फेस की तरफ भी रहते हैं। तो हम लोग अपनी सेल्फ स्टडीज फोरेंसिक साइंस में कैसे बढ़ा सकते हैं और हम अपनी जानकारी को अपनी विश्लेषण क्षमता को कैसे बढ़ा सकते हैं, क्योंकि कभी कभी CWC या जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड में काम करने के दौरान ये बात ध्यान में आती है कि निर्णय लेकर आदेश करते समय फोरेंसिक जो हमारे पास साक्ष्य हैं उनको हम कैसे उसका विश्लेषण करें। तो यदि सेल्फ स्टडी के लिए कोई पुस्तक या कोई साइट आप बता सकेंगे तो बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ ठीक है, आपने सही बोला, मेरी खुद की लिखी हुई बुक्स है हाउ टू इन्वेस्टिगेट क्राइम इन चीन, आप मेरे गूगल पर सर्च करेंगे तो मेरी आर्टिकल आपको मिल जाएगा। और मैं अलग से भी आपको बता दूंगा कि सबसे पहले है कि अगर जैसे आप लोग जुवेनाइल के लिए काम कर रहे हैं और मुझे लग रहा है काफी लोग बच्चों के लिए काफी साल से काम कर रहे हैं और आपको फेस करना पड़ता होगा कि आपको मालूम है क्राइम हुआ फिर भी जस्टिस नहीं हुए, कोर्ट से भी नहीं हो रही क्योंकि हम एविडेंस को एस्टेब्लिशमेंट नहीं कर पा रहे, तो सबसे पहले जो उसका ट्रेनिंग का पार्ट है, आपने जैसे बताया कि जब क्राइम होता है हमको सबसे पहला काम को प्रोटेक्ट करना है, सबसे पहले मैंडेटरी चीज हमारे पास। और आप कैसे एक अच्छे साइंटिस्ट बन सकते हो अगर डिग्री आपके पास नहीं है तो भी क्राइम को कैसे एस्टेब्लिशमेंट किया जाए, इसके ऊपर एक मैंने बुक लिखी हुई है, वो बुक मैं सर को साथ शेयर कर दूंगा। उस बुक को पढ़ने के बाद आपको उसके बारे में अच्छी तरह आइडिया लग जाएगा कि क्राइम को कैसे प्रोटेक्ट करें, कोर्ट के सामने कैसे एविडेंस को प्रोटेक्ट करें, कौन कौन सा डॉक्यूमेंट आपको प्रोड्यूस करना चाहिए, क्राइम सीन के क्या क्या आपको एविडेंस कलेक्ट करना चाहिए और कैसे कलेक्ट करना चाहिए, इन सारी चीजों की इन्फॉर्मेशन आपको वहां पे मिलेगी। थैंक यू सर। पूनम दीदी ने भी हेल्प किया था, आप अपनी बात रखेंगे।
नमस्कार सर, बोले सर आप मेरी बात जी। सर मैं ये पूछना चाहती हूँ, अगर कोई छात्र 10वीं 12वीं में जिसके पास साइंस नहीं है तो सर वो फॉरेंसिक में जा सकता है आफ्टर 12th? हेलो भाई सब, मैं देख रहा हूँ आईटी टीम, थोड़ा देखिए किसी का माइक चालू है सर। हाँ जी, आपका ये सवाल है कि अगर उसने आर्ट्स नहीं किया है और उसने साइंस की पढ़ाई नहीं की है तो क्या वो फॉरेंसिक में जा सकता है कि नहीं जा सकता? जी सर, ऐसे कुछ कोर्सेज हैं, अगर मान लीजिए किसी बच्चे ने 12th में उसके पास आर्ट्स सब्जेक्ट है या कॉमर्स है और साइंस उसके पास नहीं है, उसके बाद उसको फॉरेंसिक साइंस में जाना है, ये आपका सवाल है? जी सर। ठीक है, तो देखिए अगर उसको साइंटिस्ट बनना है या मेडिकल फील्ड में जाना है तो उसका उसका मेडिकल से संबंधित जो भी साइंस से संबंधित सब्जेक्ट होना जरूरी है, लेकिन उसके बाद भी अगर किसी ने ग्रेजुएशन पास कर लिया है और उसके पास साइंस का कोई सब्जेक्ट नहीं है, ना तो उसका 12th में था ना तो 10th में था और ग्रेजुएशन भी उसने हिस्ट्री में किया या हिंदी में किया, तो यहाँ पे कुछ यूनिवर्सिटीज है जैसे एक नर्सल यूनिवर्सिटी है हैदराबाद, तो आपको एक मास्टर कोर्स कराती है क्रिमिनल लॉ एंड फॉरेंसिक साइंस। जी सर। अगर कोई बच्चे का बैकग्राउंड अगर आर्ट्स में है तो भी वहाँ से मास्टर में क्रिमिनल लॉ एंड फॉरेंसिक साइंस कर सकता है। और दूसरी बात, गुजरात की यूनिवर्सिटी है नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी गुजरात गांधीनगर, तो वहाँ से कुछ डिप्लोमा कोर्स होता है, तो उस डिप्लोमा कोर्स में भी अलग फिंगरप्रिंट का होता है, क्वेश्चन डॉक्यूमेंट है, ब्लड है, आर्म्स है, उन सभी की अलग अलग एक साल डिप्लोमा कोर्स कराई जाती है, तो इन सारी कोर्स को करने के बाद वो एक अच्छे फॉरेंसिक साइंटिस्ट के रूप में एस्टेब्लिशमेंट कर सकते हैं। जी सर, मेरा एक प्रश्न और है, सर फॉरेंसिक के अंदर क्या नई नई टेक्नोलॉजी कुछ और भी आई है सर? बिल्कुल, एवरीडे क्या है, एवरीडे डेवलपमेंट हो रही है, एवरी डे कुछ ऐसे कुछ साइट्स हैं जहाँ पे मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगा, तो कोई भी अगर नई टेक्नोलॉजी आती है देन यू कैन सर्च कि क्या नई टेक्नोलॉजी क्या आई, आप कर सकते हैं, एवरी डे होता है, एवरी डे कुछ ना कुछ डेवलपमेंट हो रही है। जी सर, थैंक यू सर। अब आईटी टीम, आवाज इको हो रही है, आप वो जगह से जुड़े हैं क्या? प्लीज थोड़ा देखें। नहीं नहीं, हम मतलब से ओके। आईटी शो के इसलिए होगा, सज्जन जी पूछते तो ईगो नहीं होता है, बाकी कोई पूछता है तो ईगो होता है। मुझे लग रहा है सर दो डिवाइस से जुड़े हुए हैं, बट सभी पर हो रहे हैं। भाई साहब कृपया भाई साहब आपका मोबाइल बंद कर दीजिए, मोबाइल से ऑपरेशन बंद कर दीजिए। मेरा मोबाइल बंद है भाई साहब, से आग्रह करते हैं आज अपनी बात रखें। एडवोकेट नवीन साहब कुछ कह रहे हैं क्या? नमस्कार, मैं कह रहा हूँ किसी का दो डिवाइस से फोन है इसलिए लाइव बंद कर दीजिए, फिर आप लाइव बंद कर देंगे सब कुछ ठीक हो जाएगा। ओके 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 जी, ठीक है भाई साहब जी। अब तो सारी डबल आवाज नहीं आ रही, आ रही, नहीं आ रही, आ रही, आ रही, आ रही, हां रिपीट हो रही है, रिपीट हो रहा है, रिपीट हो रहा है, सब लगातार। ये टेक्नोलॉजी है, जितना उपयोग करते हैं उतना कुछ कमी भी रह जाती है, और जैसे अभी आदरणीय संजय जी ने बोला है कि हर रोज